आपकी अम्ब्रेला भी इस बारिश की तरह और आपकी तरह खूबसूरत है। काश मैं आपको दोबारा देख सकूं। आप यहाँ भी आ गए अबान, और ये नूट। कल ऑपरेशन है ना, आपको याद है ना, गुले को कुछ ना पता चले। किस्मत ने हमें जिंदगी बदलने का बेहतरीन मौका दिया, पर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। क्या करो स्वामी? कभी वापस नहीं आए। नूर, मेरा अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक, तुम अपनी जिंदगी के फैसलों में बिल्कुल आजाद हो। उठिए, आपके मामा बाबा आ गए। क्या मामा बाबा आ गए? हाँ, कल की बजाय आज ही आ गए। कहाँ पर है? बाहर है। जल्दी चलें। मामा, I'm so happy that you're back. एक दिन और वेट नहीं कर सकती थी मैं। मजा आया ना, अच्छा लगा सरप्राइज। बहुत। क्यों भाई, बाबा को भी कुछ प्यार मिलेगा या नहीं? बाबा जानी, माई स्वीट हार्ट, माई बेबी, भाई हम तो पूरा टाइम तुम्हें याद करते रहे। मेरी चॉकलेट्स लाए? हाँ हाँ, सब कुछ आया है। हमने तो पूरा एक दिन तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स खरीदने में लगाया है। मेरे फ्रेंड्स के सारे गिफ्ट्स और मेरा मेकअप। अरे भाई, तुम्हारी सारी फरमाइशें हमने पूरी की हैं। भाई, गुले कोई फरमाइश करे और वो पूरी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और सुतानी भी आप बताए ना। जी शुक्र है अल्लाह का। आप बताइए, आपका सफर कैसा रहा? हाँ सुल्तानी, भी बहुत मजा आया। शुक्र, जबकि बहुत ही हसीन जगह है। और गुले, पता क्या, तुम्हें एग्जाम्स नहीं होते ना तो हम तुम्हें जरूर साथ लेके जाते। तुम अपनी स्टडीज पूरी कर लो, फिर हम तुम्हें वर्ल्ड टूर पे ले जाएंगे। इट्स अ प्रॉमिस, हम अपनी बेटी को पूरी दुनिया घुमाएंगे। आप अपनी बेटी से इतने मुश्किल मुश्किल वादे ना किया करें। भाई कैसी मुश्किल, हमारी गुले के लिए हर बात मंजूर है। सलाम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आए ना, बैठे प्लीज। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग तो कल आने वाले थे ना, ये आज कैसे? नहीं भाभी, हम तो आज ही आने वाले थे, वो तो गुल्ले को सरप्राइज देने के लिए हमने गलत डेट बता दी थी। आप बताइए जहांगीर भाई के क्या हाल हैं, बच्चियों की कैसी तबीयत है? सब खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप लोगों की तुर्की की सैर कैसी रही? भाई बहुत जबरदस्त, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। मेरी चॉकलेट। अरे गुले जान, संभल कर। देखो मेरे सिरेमिक से सारे टूट जाएंगे। राना, भाभी और बच्चियों के लिए जो चीजें लाई हैं वो दे दे उन्हें। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है, आप ऐसे उतावले हो रहे हैं। अभी तो आप सफर से थके आए हैं, कुछ आराम कर लीजिए, चीजें कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं। मैं तो बस ऐसे ही खैरियत पूछने चली आई। नहीं भाभी, बैठे ना, अभी चाय पी के जाइएगा हमारे साथ। नहीं नहीं भाई साहब, चाय तो मैं पी कर आई हूँ। अब नूर तो लाव वाली तबीयत की बच्ची ठहरी, लेकिन सुल्तानी भी, आप तो अच्छी खासी उम्र की समझदार औरत है ना, आपको तो चाहिए कि मालिक घर आए हैं तो कुछ चाय पानी पूछिए उन्हें। लेकिन आप तो लगी उनकी शक्लें और सामान देखने। जी मैं अभी लाती। रहने दीजिए, बनाती रहिए चाय, चलती हूँ भाई साहब, फिर आऊँ। उसके लिए आयूंगी फिर जबरदस्त चीज़ें, और हम हर दफा की तरह मुंह देखते रह जाएंगे। जाहिर है भाई, गुल्ले जैसी किस्मत हमारी कहाँ होने वाली है जो हमारे लिए महंगे महंगे तोहफे आएंगे। ले देंगे हमारे लिए वही चॉकलेट्स और सस्ते परफ्यूम होंगे, जैसे 8-10 साल की बच्चियाँ और चॉकलेट्स देके हमारा दिल बहल जाएगा। सुन लो कवल, अगर इस दफा उन्होंने हमें कुछ ऐसा वैसा देके टरखाने की कोशिश की ना, मैं उसी वक्त वापस कर दूंगी उन्हें। कह दूंगी गुल्ले से ये भी रख ले अपनी उन ढेर सारी चीजों में, हमें नहीं जरूरत इसकी। हर साल बाहर जाते और हमारे लिए क्या आता है? वही सस्ते परफ्यूम या चॉकलेट। कोमल, उनका दिल ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए बड़ा है, हमें तो दुनिया को दिखाने के लिए बेटी बेटी करते रहते हैं। और हमारे अम्मी अब्बू को तो देखो, उनको ये भी नहीं पता कि इस घर से बाहर भी कोई दुनिया है। सैर तफरी के नाम पे हमारे हाथ में बर्गर मंगवा के रख देते, लो हो गई तफरी। वो भी मंगवाने की क्या जरूरत है, इंटरनेट पे सारी रेसिपीज तो मौजूद है, सर्च करो बना लो घर में, खुद भी खाओ और उन्हें भी खिलाओ। आम के आम, गुठलियों के दाम। हमारे नसीब में ना सिर्फ गुठलियां लिखी हैं,
गूदा तो गुले बीबी के नाम लिखा है, अभी भी बैठी भी खा रही होगी कुछ आराम से। गुले बिटिया, गुले बिटिया, उठ जाए, देखे बाहर बरसात हो रही है, फिर मत कहिएगा हमने आपको बताया नहीं। क्या बारिश हो रही है? अच्छा मौसम हो रहा है, आज जॉगिंग में तो बहुत मजा आएगा। माँ बाबा उठ गए? जी हाँ उठ गए, लेकिन आज आप जॉगिंग पे नहीं जाएंगी, बरसात है ना। बेगम साहबा आज ना खुद घर से बाहर जाएंगी, ना आपको और साहब को जाने देंगी, आज आपकी पार्क से छुट्टी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो जाऊंगी। लेकिन बिटिया, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से जाके मेरा ट्रैक सूट रेडी करें और मुझे अम्ब्रेला ना वो भी तैयार करें, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मेरे खुदाया, ये सब हमारी गलती है, हमने क्यों बिटिया को जगा दिया। अच्छा भाई, सॉरी मैं गैर अखलाकी हरकत कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपसे आपकी तस्वीरें खींचने की परमिशन नहीं ले सकता। चली गई, अभी तो यही थी, काश मैं उससे उसका नाम पूछ पाता। जो भी थी वो बहुत खूबसूरत थी। ये शायद उसकी छतरी है जो हवा से उड़ गई थी, अभी जाके उठाता हूं। अब की अम्ब्रेला भी इस बारिश की तरह और आपकी तरह खूबसूरत है। काश मैं आपको दोबारा देख सकूं। बहुत अच्छा टूर रहा तौकीर हसन का, काफी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए उसके इस्तांबुल में। अच्छा तो अच्छी बात है। उनकी बेगम भी उनके साथ थी, बहुत अच्छी सुलझी हुई खातून। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक दिन खाने पे इनवाइट कर लूँ। पूरी फैमिली को? हाँ पूरी फैमिली को। देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह तौकीर के साथ फैमिली रिलेशन बिल्ड कर लिया जाए, इस तरह हमारे डूबते हुए बिजनेस को बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। फैमिली रिलेशंस? मैं समझी नहीं। तौकीर की एक बेटी है गुलनूर, बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है, मैं मिला हूँ उससे। हमारे अबान के साथ बहुत सूट करेगी। मैं नहीं जानता कि प्लानिंग्स किस हद तक कामयाब होती हैं किस हद तक नाकाम होती हैं, लेकिन
ये जरूर जानता हूं कि दुनिया की तमाम जंगें प्लानिंग से ही जीती गई हैं। लेकिन मुश्ताक, हमें क्या पता उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या सोच रखा होगा। हो सकता है वो कहीं एंगेज हो, हम तो कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। मालूम नहीं तो मालूम किया जा सकता है। देखो, तौकीर इस वक्त एक टाइकून है और जो भी उसके साथ जुड़ गया वो भी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अबान से पूछना भी बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक पैसे की अकल नहीं है तुम्हारे बेटे में? तुम क्या समझती हो उसके मुस्तकबिल का फैसला मैं उसके हाथों में दे दूंगा? बाप एक हफ्ते बाद बाहर से लौटा है, उसे इतनी तमीज नहीं कि आकर मिल ले। ये समझ लो कि उसके मुस्तकबिल का हर फैसला मैंने ही करना है। खैर, ये मैं तुम्हें दिखाता हूं तौकीर की बेटी की तस्वीर। कम ऑन मम्मी, क्या ये सब कुछ किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? आजकल तो कोई लड़कियों के साथ ऐसे नहीं करता जैसे आप लोग मेरे साथ करना चाह रहे हैं। मैं कोई कठपुतली हूं, कोई पपेट हूं कि बाबा के इशारों पर चलूंगा? बाबा को मेरी फोटोग्राफी पसंद नहीं है, उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद नहीं है, मेरा घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है। और अब वो ये चाहते हैं कि मैं उनकी किसी दोस्त की बेटी को पसंद करूं, उससे शादी करूं ताकि उनकी बिजनेस की मुश्किलात दूर हो जाए। मैं उनका बेटा हूं या कोई एटीएम कार्ड? दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। बेटा, तुम अपने बाबा की पियत से वाकिफ तो हो ना, फिर इतने रूट क्यों हो रहे हो मुझसे? Sorry, I'm not being rude to you. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि it's not acceptable, मम्मी. और वैसे भी ये मेरा हक है। मैं जब भी शादी करूँगा अपनी मर्जी से शादी करूँगा। समझा दीजिएगा आप उन्हें, और उन्हें ये भी समझा दीजिएगा कि मेरी जिंदगी में बहसियत बाप जो उनका हक है ना, बस उसी को इस्तेमाल करें। मैं नहीं चाहता कि उनको कोई मायूसी हो। कहाँ थी आप? आप कौन? आप इतने दिनों से आई नहीं। मैं आपको जानती नहीं हूँ। I don't talk to strangers. I understand, लेकिन जॉगिंग के लिए तो हमेशा आती थी। Why don't you come? आप प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। Weirdo. मेरी You can take it. Thank you. My pleasure. क्या हुआ? शॉपिंग हो गई? खाक शॉपिंग होती, इतने सारे सूट लिए हैं लेकिन ये अपना पर्स घर भूल कर आ गया। और मेरे पास तो इतने पैसे होते नहीं ना कि मैं बिल ले करूँ। मैं दे देती हूँ। कितना हुआ? सिर्फ 20,000। माय गॉड, क्या हुआ? मेरा वॉलेट नहीं है मेरे बैग में। तो तुम वहाँ वॉलेट छुपाने गई थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें डर था कि कहीं हम तुमसे पैसे ना मांग लें। और हमारी फूटी किस्मत, काम पड़ा भी तो किससे। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा वॉलेट मेरे बैग में ही था। बस कर दो गुले, हद हो गई है अब तो। तो सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। चाचा चाची कितनी पॉकेट मनी देते हैं तुम्हें, हर वक्त पर्स भरा रहता है तुम्हारा। बहुत ही घटिया हरकत है। आई स्वेयर मेरा वॉलेट इसी में था। एक्सक्यूज मी, आप अपना वॉलेट वहां पर छोड़ आई थी। शुक्रिया बहुत बहुत। गुल्लू, देखो इसमें पैसे पूरे हैं ना? जी। आप क्या कहना चाह रही हैं? कि मैं उनके वॉलेट से पैसे निकाल कर उनको वॉलेट वापस देने आ गया? देखिए, आजकल किसी का एतबार नहीं है। अपने सगे रिश्ते पर एतबार नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ। आपकी माजरत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा मिस्टर, चलते बनिए। थैंक यू ये वॉलेट लौटाने के लिए। मुझे आपके मशवरों या आपके शुक्रिया की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये लो, पेमेंट कर लो। हाँ, मैं कर दूँ। मर के रही हो, भागे थोड़ी जा रहे हैं। मैं कर रही हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया था। क्या? एक छोटा सा तोहफा है। तोहफा? कहते हैं ना कि दोस्ती की इब्तिदा
गिफ्ट से करनी चाहिए। दोस्ती? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मेरा नाम मोइज़ अहमद और आपका नाम गुलनूर, मैंने अभी सुना है, यही नाम है ना आपका? नाम तो बहुत सोच समझ कर रखा है आपका। जी कोमल, देखो तो कैसे उस अजनबी लड़के के साथ बेधड़क बातें कर रही है। मेरे पास ना एक आइडिया है, ऐसा करते हैं तुम ना इसे गुले की क्रेडिट कार्ड से ही खरीद लो। बात तो तुमने मजाक में की है लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। क्या मतलब? समझाती हूँ, पैक करवाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए छोड़िए इस बात को, इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव योर नंबर? क्या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बात सुन। अच्छा आप ये तो लेते जाइए, इसमें बुक्स हैं, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आई डोंट टेक गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। चलें, तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आ रही हूँ। तुम कहाँ को चली? वो प्यास लग रही है तो जूस लेना है। चलो गुले चलते। मोइज़ बेटा, अगर तुम फारिग हो तो आज चल के ग्रोसरीज ले आते बेटा, हर चीज खत्म हो चुकी है। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। क्या सोच रहे हो, कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं, वो मॉम आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। हेलो। हेलो गुलनूर, कौन बात कर रहा है? आपको मेरा नंबर किसने दिया है? देख लीजिए, मैंने आपकी आवाज सुनते ही आपको पहचान लिया, और आप हैं कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं। That's not fair. देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं और जिसने भी आपको मेरा नंबर दिया है, मेरी जिंदगी में इन स्टूपिड चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अब फोन नहीं करना। ओके? हो सकता है किसी अपने ने दिया हो। मैंने कहा ना, डोंट कॉल मी नाउ। स्टूपिड। अंदर आ सकती हूँ? तुम इतनी फॉर्मेलिटीज में क्यों पड़ती हो? देखा नहीं तुम्हारे कमरे में कैसे मुंह उठाकर आ जाती हूँ मैं? वो तुम्हारा ही कमरा है। तुम ऐसा क्यों बोलती हो? पता है बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जब तक तुम लोग अपनी मर्जी से और खुशी से इस घर में रहते हो तो ये घर तुम्हारा ही है, और हम लोग तो एक ही फैमिली है ना, तो फिर ये मेरा तुम्हारा क्या? अच्छा तो फिर ठीक है, आज से कमरा मेरा हुआ। कसम से दिले मुझे तुम्हारा कमरा इतना पसंद है, ऐसे लगता है जैसे किसी जहजादी का कमरा है। हाँ तो मामा बाबा की प्रिंसेस ही तो हूँ, ये कमरा मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगी। आई लव माई रूम। ये जो दीवार है ना, ऐसा लगता है कि मामा की तरह मुझे हमेशा गोद में ले लेंगे, और वो जो खिड़की है ना, ऐसा लगता है कि बाबा हमेशा मुझे इनके थ्रू देख रहे होते हैं। और पता है ये डॉल कब से है? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना तब से है मेरे पास। जब मामा को पता चला था कि बेबी गर्ल आने वाली है तब इसको मेरे कमरे में सेट किया था। और ये जो रूम है ना, ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जब मैं एंटर होती हूँ मुझे फील होता है कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। सही तो कह रही हो तुम तो आई ही मुस्कुराहटे समेटने के लिए। तो फिर तुम बताओ मैं अपना रूम किसी को कैसे दे सकती हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? आई एम सॉरी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, छेड़ी थी तुम्हें। अच्छा तुम्हें कोई काम था क्या? हाँ
मुझे तुम्हारे नंबर से एक कॉल करनी थी। तुम्हें तो पता ही है मेरा मोबाइल बस देखने के लिए, बैलेंस तो होता नहीं है उसमें। अच्छा नंबर बताओ, मैं डायल करती हूँ। नंबर तो मेरे सेल में और सेल मेरे कमरे में है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो, एक कॉल करके वापस कर दूंगी। ओके थैंक यू, मैं थोड़ी देर में वापस कर जाऊंगी। अच्छा सुनो, मुझे पता नहीं कौन रॉन्ग नंबर से तंग कर रहा था, अगर तुम्हें फोन करे ना बिल्कुल नहीं उठाना। हाँ सही है। माय बेबी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? जी 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 जान, वो मैं ऊपर जा रही थी। हेलो, कौन जी? कौन? मैं मोइज। आप कौन? अनजान क्यों बन रहे हैं, एक दफा पहले कॉल कर चुके ना, अब फजूल में इतरा क्यों रहे हैं? मिलना चाहूं तो? किससे? आपसे। मुझसे? आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स। तो ठीक है, फिर मैं आपको एक जगह बता रही, कल शाम आप हाशिम पार्क आ जाना 5 बजे, मैं वहीं मिलूंगी आपको। आप मजाक तो नहीं करें? आप वहीं आके देख लीजिएगा। ओके बाय। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बाय द वे, आप दोनों ही हैं? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरी बारात लेकर आते हैं? वैसे बारात तो लड़के वाले लेकर आते हैं। जी? यूं ही मजाक कर रही थी, आप सीरियस मत हो जाएगा। वैसे हम लोग क्या खड़े खड़े सारी बातें करेंगे? नहीं, हम लोग वहां चलकर बैठ सकते हैं। वैसे आपने इतना फोर्सफुली बुलाया है तो आइसक्रीम तो बनती है ना? हाँ क्यों नहीं, माय प्लेजर, जहां आप कहें। तो फिर चले। हाँ श्योर। A very happy birthday to you. Thank you. But I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं मोइस, हम पहले मिल चुके हैं। Familiar तो आप लग रहे हैं, शायद कहीं मिले हों। गुले, ये मेरे फ्रेंड है, याद है जो मैंने बताया था मेरे गेस्ट आने वाले हैं, ये वही है मोइस, और मोइस ये गुले है मेरी कजन। It's always a pleasure to meet you. अच्छा तो आप कवल के गेस्ट हैं, nice to meet you Mr. मोइस। मोइस, बात सुनेंगे? कवल, एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए ना आप। वैसे मैं वो क्या कहते हैं, हमतन गोश, मैं हमतन गोश हूँ। कमल, आपको मेरे बारे में ना कुछ गलत फहमी हुई है, एंड आई वांट टू क्लियर इट आउट। कैसी गलत फहमी? एक्चुअली कमल, बात यह है कि मैं, अम्मी ये मोइज़ है, गुलनूर के फ्रेंड,
और मुइज ये मेरी वालदा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अकेले आए हैं? जी अम्मी, अकेले आए हैं। एक्चुअली वहाँ सब में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो गुल्ले ने कहा कि मैं इनको यहाँ कंपनी दे दूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग भी वहीं चलो, खाना लगने वाला है। सही है, चले हम खाना लग गया। आप लोग चलिए, मैं एक कॉल करके आता हूँ। चलो बेटा। हेलो, कहाँ रह गया तू? कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ। मैं जरा बाहर तक गया था। क्या हुआ, खैरियत तो है? कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? हाँ यार, बहुत बड़ी है इमरजेंसी। अच्छा, तेरे भाई को मोहब्बत हो गई? हाँ, ये मोहब्बत मुझे उसके घर तक ले आई। यार अब वो मेरे सामने है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। करना क्या है, जाओ उसे प्रपोज कर दे। अरे ऐसे कैसे जाकर प्रपोज कर दूँ? इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ लेकर आना चाहता था, ताकि तू मेरी हिम्मत बढ़ाता। यू आर माय विंगमैन ब्रो। अच्छा, तू उसके घर तक पहुंच गया, तुझे किस चीज की हिम्मत की जरूरत है? बस इसी सपोर्ट की जरूरत है मुझे, कुछ करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बता कि आखिर है कौन? तू बस जल्दी से आ जा, डिटेल में बाद में बताऊंगा। ओके बाय। Excuse me. नूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। एक्चुअली नूर, मैं यहाँ पर किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से आया। मैं समझी नहीं। नूर, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। जी देखिए नूर, आई लाइक यू द डे सिंस आई सॉ यू। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स से मिलवाऊं। एक्चुअली मैंने इस बारे में सोचा नहीं आज तक, और आई एम सॉरी पर मुझे याद नहीं आ रहा कि हम कहाँ मिले हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे कभी भी शादी नहीं करनी। आई एम सॉरी नूर। मेरी वैसे हमने तो सुना था कि ये घर तौकीर भाई को विरासत में मिला है, जो कि उन्होंने गुले राना के नाम कर दिया। कानूनी तौर पे आज भी गुले राना की ही मलकियत है। वो कहते हैं ना कि झूठ इतना फैलाओ कि सच लगने लगे। अब घर के बाहर मेरे नाम की तख्ती लगा दी जाए तो क्या ये कानूनी तौर पर मेरी मलकियत हो जाएगा? नहीं ना भाभी, क्या किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपने ये भी नहीं सोचा कि इस बात से तौकीरों में कितना हर्ट होंगे। तुम क्या कहना चाह रही हो राना, मैं झूठ बोल रही हूँ? गुमराह कर रही हूँ इन लोगों को? तुम ये जताना चाहती हो कि हम तुम्हारे रहमो करम पर रह रहे? क्या बात है, आप इस तरह गैरों जैसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है? ये आप अपनी चहेती राना से पूछिए कि गैरियत की बातें कौन कर रहा था और अपनाइयत की कौन, या हमें बेइज्जत करना मकसूद था? भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है आपसे, आप खामा खाए में ना बात का पतंगड़ बना रही हैं। ये आप लोग किस बहस में पड़ गए हैं? जो कुछ भी है राना, वो हम सब का है, हम अलग अलग नहीं हैं। ये अपने पराई की बात कहाँ से आ गई है? यही तो मैं कह रही थी तौकीर भाई, राना ने आके काट कर दी मेरी। अब आप बताइए, क्या हकीकत नहीं है कि ये घर हम सब का है? हाँ बिल्कुल। राना, क्या हुआ तौकीर? क्या हुआ मामा? तौकीर पानी लेके आए, प्लीज बहुत थोड़ा पानी ले। मामा अगर उस दिन आपको कुछ हो जाता ना, तो मेरी सांसें रुक जाती। आप मुझसे प्रॉमिस करें कभी भी आपकी ऐसी तबीयत खराब नहीं होगी। अरे गुले क्या बात कर रही, देखो बेटा बीमार तो कोई भी कभी भी हो सकता है। शुक्र करो तुम्हारी मामा ठीक होके घर आ गई है। पापा मामा की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी टेंशन ले ली थी, यू नो तुम्हारी मामा ओवर सेंसिटिव है। अल्लाह करे मेरी मामा हमेशा खुश रहे और सेहतमंद। गुले पता है मैं अब थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, हम दोनों के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी।
मामा आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करती हैं? अगर मैं आप लोग से ये बोलूं कि मेरे बगैर रहने की आदत डालें तो आप लोग क्या कहेंगे मुझसे? वो वक्त दूर नहीं जब मुझे और तुम्हारी मामा को तुम्हारे बगैर जीने की आदत डालनी ही होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि एक दिन हमारी गुले हमें अलविदा कह के दुल्हन बन के अपने नए घर चली जाएगी और ये बात हम जानते हैं। पापा कमल जी अम्मा इधर आओ जरा बात सुनो। क्या हुआ? कौन लोग हैं ये? वैसे मोइस हमें अपनी आमद की इत्तला उनको करनी चाहिए थी। ये वही लड़का है ना जिससे तुमने मुझे मिलवाया था? मम्मी मोइस तो बाकी अपने पेरेंट्स को लेके आ गया और मेरा हुलिया तो देखिए मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ। मैं भी तैयार हो के आती हूँ। अखलाकी तौर पे हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम आ रहे हैं। मामा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें कमल और उसकी मामा से ये बात छुपानी, फिर आने से पहले कैसे इत्तला दे देते। हाँ भूल गई, याद आया। वैसे हमने ये अच्छा किया कि हमने गाड़ी अंदर पार्क की, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे पास एक कीमती गाड़ी है। रिश्ते तय करने के वक्त इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग बस यहीं पे खड़े रहेंगे, अंदर तो चलिए। हाँ चल, तुम बैठ गए। साहब कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन? जी मुइज़ अहमद है, वही जो बिटिया के सालगिरह में आए थे। कहें तो बुलवा लो उन्हें। हाँ बुलवा लें, यकीनन गुले राने की आयादत के लिए आए होंगे। आप ड्राइंग रूम में बिठवाएं, मैं आता हूँ। जी बेहतर। मुइज घर तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लगता है इनका बिजनेस जोरों पे है। बच्चे बड़े खाते पीते घर आने के लग रहे। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था अभी तो आप लोगों ने इनका घर देखा, जब आप इन लोगों से मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुनीर अहमद है, ये मेरा बेटा मोइस, इसको तो आप जानते हैं, और मेरी बीवी खालदा। वालेकुम, तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपका चेहरा कुछ शनासा सा लगता है, लगता है हम पहले कहीं मिले। हाँ मैं टेक्सटाइल में हूँ तो घूमता फिरता रहता हूँ, तो शायद मेरी किसी जर्नी में आपसे ज़रूर मुलाकात हुई होगी। तुम बुन्नू हो ना, सनशाइन स्कूल क्लास 10। अरे यार सर कादरी की क्लास में हम साथ ही तो थे। अरे टोकी टू। Oh my God। अरे भैया तो मेरा पुराना दोस्त है, एक साथ हम गुली डंडा खेलते थे, उसके बाद हमने मैट्रिक भी एक साथ किया, फिर अब्बा हुजूर का तबादला हो गया लाहौर, उसके बाद हम अब मिल रहे हैं। देख बन्नू पहले मैंने तुझे पहचाना। तुमने मुझे इसलिए पहले पहचाने थे कि तुम तो हो गए हो मोटे, मैं तो अभी तक स्मार्ट हूँ यार। अच्छा भाई तो कीर हम यहाँ पे क्यों आए हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन यार उससे पहले कोई चाय शाय बिस्किट केक शेक तो हो जाए भाई। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई। राना प्लीज। जी जी जरूर, एक सेकंड में आता हूँ। और सुनाओ भाई क्या हो रहा है? भाई सब ठीक है, बिजनेस चल रहा है, चीजें हो रही हैं, तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई यार। बिटिया साहब आपको ड्राइंग रूम में बुलवा रहे हैं। ड्राइंग रूम में क्यों? मेहमान आए बैठे हैं, उन्हीं से मिलवाना होगा। मैं बाबा के दोस्तों से मिलकर क्या करूंगी? बिटिया ये हमें तो नहीं मालूम, आप चल के मिल लीजिए, हमें मेहमानों के लिए चाय बनवानी है। अच्छा मैं आती हूँ। जी अच्छा। आज तो मैं मोइस वाला परफ्यूम ही लगाऊंगी। कमल कमल। जी अम्मी। मैं पूछती हूँ ये बिना इतला दिए किस चले आए? इन फजूल बातों पे वक्त जाया करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छी बात तो ये है कि वो अपने पेरेंट्स को लेके आया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऊपर आने के बजाय नीचे क्यों चले गए। अम्मी अब इन बातों में बाद में आर्ग्यूमेंट्स कर लेते ना प्लीज, मुझे तैयार होने दें। भाभी आपकी अयादत तो महज एक बहाना बन गई।
बस अल्लाह मियां चाहते थे कि हम गुलनूर जैसी प्यारी बच्ची से मिलें। और हमारी बहू की तलाश यहीं पे खत्म होनी थी, इसलिए हमने आपके सामने अपनी झोली फैला दी है। बोलो तौकीर, क्या कहते हो भाई? सच्ची बात तो यह है मुन्नू कि मैंने और राणा ने अभी इस बारे में सोचा ही नहीं। भाई साहब, मेरी कोई बेटी नहीं है और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि अकलौती बेटी के लिए ये सब सोचना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, हम गुलनूर को उतना ही प्यार देंगे जितना आप देते हैं। जी वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बाकी है, नूर पढ़ रही है ना। वैसे ये तो तय है भाभी कि हम गुलनूर को तो अपनी बेटी बना के ही लेके जाएंगे, वरना धरना देख के बाप बेटे दोनों यहाँ पे बैठे रहेंगे। आइए नौरीन भाभी। भाई मन्नू, ये हमारी भाभी हैं और ये इनकी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, कमल एंड कोमल। अस्सलाम वालेकुम। और भाभी एक मजे की खबर सुनी है, मुनीर अहमद हमारी गुल के लिए अपने साहबजादे का रिश्ता लाए हैं। भाभी खड़ी क्यों है, बैठिए ना। अच्छा, गुले का रिश्ता आया है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। नहीं भाभी, अभी तो बस फैसल इसी बात छेड़ी है इन लोगों ने, अभी बहुत टाइम है। अरे भाभी, भाई साहब, बाकी बातें तो बाद में तय कर लेंगे ना, अभी तो हमारा मुंह मीठा कराएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सलाम अलैकुम तौकीर साहब, मैं मुश्ताक अहमद अर्ज कर रहा हूँ, कैसे मिजाज हैं आपके? जी जी, अल्लाह का एहसान है। मुश्ताक साहब बताइए कैसे याद किया? बात दरअसल ये फ़ोन पे करने की तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपकी राय ले लूँ। मेरा बेटा है अबान अहमद, पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, बहुत हैंडसम भी है और मेरे कारोबार का इकलौता वारिस। मैं ये चाह रहा था कि कब आपके घर दामन फैला के हाजिर हो जाऊं आपकी साहबजादी गुलनूर के सिलसिले में। मुश्ताक साहब शुक्रिया नवाजिश, इस मोहब्बत और अपनाइत के लिए। आई एम ग्रेटफुल कि आपने हमें इस काबिल समझा, लेकिन भाई साहब बात यह है कि गुल्ले के लिए दो दिन पहले एक रिश्ता आया है जिस पे हम गौर कर रहे हैं, और ऐसे में मुनासिब नहीं लगता कि आपको जहमत दें। वैसे आप जब आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, करीब खाना हाजिर है। अब जी जी ज़रूर, ऐसे मामलात में ताल्लुकात और दोस्तियां तो ख़राब नहीं हो सकती हैं, ज़रूर हाजिर होंगे, मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ मुश्ताक? अपने चहीते साहबजादे से कहो कि सोता रहे, हमेशा के लिए सो जाए। अल्लाह ना करे। मुश्ताक, और कमरे के बाद ये है हमारी लॉबी, कैसी लगी? अच्छा है ना अंकल आंटी, जब तक मॉम डैड से बात कर रहे हैं मैं आपको अपना घर दिखा रहा हूँ, एटलीस्ट आप बोर तो नहीं होंगे ना। हेलो, क्या हुआ, अच्छी लगी? जी, पिक्चर में काफी डेप्थ है। इस तस्वीर को जिसने खींचा है ना, उसकी पर्सनालिटी में भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। पता नहीं कहाँ रह गया ये। Here he is. ये हैं वो शख्स जिन्होंने ये तस्वीर खींची है, अबान माय कजन। आप यहाँ भी आ गए? आप जानते हैं एक दूसरे को, अबान और ये नूर?
nice to meet you again. देख ले, कुदरत ने हमें दोबारा एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया. Again? आप दोनों मिल चुके हैं एक दूसरे से? मैं जहां जाती हूँ ये वहीं पे आ जाते हैं. अबान, ये क्या चक्कर? चक्कर चक्कर कुछ नहीं यार, just a coincidence. वैसे भी जिस तरह हम लोग मिले उसे मिलना थोड़ी कहते हैं. Anyway, Moiz, I really have to go somewhere. मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया. I'll catch you later. अरे ऐसे कैसे जा रहा है? अभी तुमने हमारे साथ खाना खाना है यार. मैं खाना किसी और दिन खा लूंगा यार. I really have to be there. Bye. अबान, oh God. आपके कज़न कितने weird हैं. इतना रोका फिर भी नहीं रुके. हाँ बस ये ऐसे ही पागल सा. लेकिन दिल का बहुत अच्छा है. एक दो मुलाकात आपकी भी होगी ना तो you'll also get used to. Please. मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं. अच्छा चलो उसको छोड़ें. आए मैं आपको अपना लॉन दिखाता हूँ. हाँ जब वो मेरी नसीब में नहीं थी तो मुझे उसे मिलवाया ही क्यों? क्यों टकराती थी वो मुझसे हाथ मोड़ पर? अब किस तरह मैं उसे अपने दिल से निकालूंगा? मुझे और राना को ये रिश्ता हर लिहाज से अच्छा लगा है. लड़का इकलौता है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है. बाप का अपना बिजनेस है, फिर भी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है. ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं जो अपनी बाप की दौलत और जायदाद पर डिपेंडेंट ना हो. और पता है सुल्तानी भी, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है? मोइज गुले को बहुत चाहता है. उसने खुद इंटरेस्ट शो किया है. मुझे लगता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. हमारी गुले बिटिया तो फूलों से ज़्यादा नाजुक है और शबनम से ज़्यादा खुश मिजाज. हमने तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ मांगी है कि हमारी बिटिया को अल्लाह पाक उनके माँ बाप से भी ज़्यादा चाहने वाला मिले. और देखिए मिल गया. हमने तय किया है इसी हफ्ते हम गुल्लूर और मोइज की एंगेजमेंट कर देंगे. ये तो बहुत खुशी की बात है. हम अभी आपके लिए सूजी का हलवा और आलू के पराठे बनाते इसी खुशी में. इजाजत दीजिए. सलाम आंटी. वालेकुम अस्सलाम. क्या सीक्रेट मीटिंग चल रही? कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं चल रही. मैं तो खुद सीक्रेट जानने की कोशिश कर रही. कितनी देर से यहाँ उदास बैठा है. पूछ पूछ के थक गई हूँ, बता नहीं रहा. अब तुम खुद पूछो. आंटी आप इसकी फिक्र मत करें, मैं इसके लिए ऐसी न्यूज लेकर आया हूँ कि ये अभी खुश होकर छलांग मार के टेबल पर बैठे. अच्छा ऐसी क्या न्यूज है? ये चीज तो आप जाकर मॉम से पूछे, मैं तो अपने सिर्फ भाई को बताऊं. अच्छा अच्छा मैं हालदा को फोन करती हूँ. व्हाट्सअप ब्रो, उदास क्यों है? अच्छा ये बता कि तुझे गुलनूर कैसी लगी? गुलनूर? हाँ हाँ गुलनूर. अब ये ना कह देना कि कौन गुलनूर. अच्छी है, बहुत अच्छी है, मासूम. ऐसे लगता है जैसे आसमान से परी उतरे. मैं मेरी गुलनूर की बात करूँ, तेरी किसी ख्वाबों की शहजादी की बात नहीं कर रहा. मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ. बहुत अच्छी है वो, यू आर वेरी लकी. वो तो मैं हूँ. अच्छा अब गुड न्यूज सुन. इस वीकेंड पर मैं और गुलनूर मंगनी करने जा रहे हैं. देखा हो गया ना सरप्राइज? आई न्यू इट. और तेरे लिए एक और न्यूज भी है, हमारी एंगेजमेंट पर फोटोग्राफी तू करेगा. नो, तू अच्छे तरीके से जानता है आई डोंट डू दीज वेडिंग शूट्स. ये मंगनी सॉरी आई कांट. अरे यार मेरी एंगेजमेंट है, मुझे कोई गिफ्ट तो देना है ना तूने. और वैसे भी गुलनूर को तेरी फोटोग्राफी बहुत पसंद है, so you can't say no. अगर ऐसी बात है तो I'll definitely do it. Thank you, bro. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. आप? मैं भी ठीक हूँ. मैं आपको लेने आया था, अगर आप जाकर प्लीज तैयार हो जाएं. हम कहाँ जा रहे हैं?
मामा ने कहा था कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊं ताकि आप अपनी मर्जी से एंगेजमेंट के ड्रेस चूज कर सकें। हम लोग एंगेजमेंट तो सिंपल से कर रहे हैं ना, और मामा बाबा घर पे है नहीं, मैंने उनसे परमिशन ही नहीं ली हुई। तो अभी कॉल कर लेते हैं। हमने फोन करके पूछ लिया है बेगम साहिबा से, उन्होंने कहा है कि गुले बिटिया आपके साथ जा सकती है। सुल्तानी बी, आप कितनी एफिशिएंट हो गई हैं। जी शुक्रिया। गुले बिटिया आप चल के तैयार हो जाइए, हम मुइज़ मियां के लिए चाय बना देते हैं। बेटा आप बैठिए। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। यहाँ आ जाओ, वहां को सुन लो। हाँ बोलो, क्या बात है? मोइस ट्रस्ट में तुमने बहुत घाटे का सौदा किया। गुले वो लड़की नहीं है जो शादी के बाद किसी भी मर्द को जिंदगी की सच्ची खुशी दे सके। उसको तो बर्नर भी नहीं जलाना आता। गुले के पेरेंट्स ने आज तक उसको किचन में नहीं जाने दिया कि उसका हाथ ना जल जाए। तो ऐसी लड़की से तुम शादी करके कैसे खुश रह सकते हो जो तुम्हारी एक शर्ट तक प्रेस ना कर सके? फॉर गॉड्स, मैंने उसे शर्टें प्रेस नहीं करवानी और ना ही उसे खाना बनवाना। इन सब चीजों के लिए मेरे पास सर्वेंट्स हैं। मुझे तुम्हें अंदाजा नहीं है कि शादी के बाद एक मर्द को अपनी लाइफ पार्टनर से कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो गुले की दौलत और उसका स्टेटस देख के अभी उसे शादी कर लोगे, वो तुम्हें बाद में कुछ भी नहीं दे सकेगी, ना मोहब्बत, ना इज्जत और ना ही खिदमत। खुलकर बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं अभी हूं इस घर में, इस घर का सरबरा। तुम्हें किससे शिकायत है? मैं कोई पंडोरा बॉक्स खोलने नहीं आया हूं, बस ये क्लियर करने आया हूं कि आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन गुलनूर और राणा उससे ज्यादा अजीज तरीन है। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही किसी को इस बात की इजाजत दूंगा कि वो मेरे खानदान की खुशियों को तहस नहस कर दे। मैं समझता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो बुनियादी पैगाम आप सबको पहुंच गया होगा। तुम फिक्र न करो तौकीर, तुम्हारी गुले राना की और गुलनूर की खुशियां हमें अपनी खुशियों से ज्यादा अजीज हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग गुलनूर की एंगेजमेंट में खुले दिल से और हंसी खुशी शामिल होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शब खैर। शब खैर। जो अपने हाथों अपने मुकद्दर को बर्बाद कर देते हैं। तुम अपने बेटे के साथ घर आ जाओ। इन्हें क्या हुआ है? जब देखो गुस्सा दिखाते रहते हैं। बेटा हर बार यही गलत नहीं होते अबान, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक फैसला किया। क्यों तुमने इतनी अच्छी लड़की को ठुकराया? क्या कह रही हैं आप? अगर तुम हमारी बात मान लेते तो आज यहाँ मुइज़ की जगह तुम बैठे होते। सॉरी,
कुछ समझा नहीं, अब कहना क्या चाह रही है? आबान, तुम्हारे बाबा ने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया था वो यही तो है। कभी दिल नशी था समा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आने वाली जिंदगी इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी इंशाल्लाह। एक बात कहूँ, तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा तो जी चाह रहा था कि अपने साथ ही ले आऊं। नहीं मोइज़, ऐसा तो नहीं बोले। क्यों, क्यों ना करूं? क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे घर छोड़ना होगा तो मुझे रियलाइज होता है कि मुझे मामा बाबा को भी छोड़ना होगा और मुझे बहुत डर लगता है। अरे बाबा, इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? अच्छा, कैन आई प्रॉमिस यू वन थिंग, शादी के बाद मैं तुम्हें हर रोज तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाने तुम्हें घर लेके जाया करूंगा। इनफैक्ट एक काम किया करेंगे कि कभी कभार हम लोग वहीं स्टे कर लिया करेंगे, इतना तुम्हें एहसास भी नहीं होगा उनसे दूर होने का, राइट? आप कितने अच्छे मोइस। नूर, तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी बोले। नूर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आप ना कहा करो, इनफैक्ट मुझे तुम कहकर पुकारा करो, हमारे बीच में फासले जितने कम होंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, आज से मैं आपको आप नहीं तुम कहकर बुलाऊंगी, खुश? ऑफ कोर्स। अच्छा, एक और बात पूछ सकता हूँ? जी बोले। डू यू लव मी? पता नहीं, अभी तो बहुत कम दिन हुए ना। हाँ वो तो है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल तो है ना? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे हमेशा खुश रहो। तनूर, इसी का नाम तो मोहब्बत। इतनी बड़ी बात और तुम अब बता रहे हो? ये तो हम जानते थे कि गुले राना बीमार है, लेकिन ये ऑपरेशन वाली बात? दरअसल भाई साहब, राने की ख्वाहिश थी कि गुले को इस मामले की कम से कम मेहनत पड़े। पुराना से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसकी जरा सी तकलीफ देख के सहम जाती है। ऐसे मामले में अगर हम उसे पहले से बताते तो अभी तक निडाल हो गई होती। लेकिन अब भी तुम लोग यूं अचानक चले जाओगे तब भी तो वो अपसेट होगी ना। बेहतर होता उससे पहले से बता देते तो कम से कम वो अपना जहन बना लेती। हम अभी भी उसे ये नहीं बताएंगे कि हम राना की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जा रहे हैं। हम ये बताएंगे कि बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, इसमें एक से डेढ़ माह लग जाएगा, और जब सारे हालात खुश असलूबी से तय हो जाएंगे तो वापिस आके बताने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो खैर, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। तुम्हारे पीछे सारे मामला कैसे मैनेज होंगे? भाई साहब, आप और भाभी हैं ना, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। ऐसे ही मौकों पे अपने काम आते हैं और उनकी अहमियत का एहसास होता है। मेरी गैर मौजूदगी में आपने ऑफिस के मामलात बाकायदगी से देखा, इनको किसी और के सुपर करने से बेहतर मैं समझता हूँ कि कोई अपना उन्हें देखे। मैं जाते हुए आपको जनरल पावर अटॉर्नी दे दूंगा और जो दो महीने में काम होंगे वो भी समझा जाऊंगा। भाई साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप और भाभी इस बात का ख्याल रखिएगा कि गुले को राना की बीमारी के बारे में ना पता चले। तो फिर हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो, अल्लाह बेहतर करेगा, राना सेहतयाब होकर वापस अपने घर आएगी। शुक्रिया भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम मामा। अरे गुले, तुम कहाँ गई थी? हाँ पार्क गई थी, वहीं तो जाती हूँ। अच्छा बेटा, मैं चाह रही थी कि हमारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करूं। आओ बैठो। क्या बात है मामा, हम तो रोज इतनी सारी बातें करते हैं। बेटा, जब मैं और बाबा जाएं तो तुम अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करना, अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज करो। अब तुम बच्ची नहीं रही हो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी तरबियत में हमेशा अपनी मर्जी चलाई है, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे उनकी एक नहीं माननी चाहिए थी, तुम्हें दुनिया की ऊंच नीच के बारे में समझाना चाहिए था। मामा, आप क्या बातें कर रही हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा।
Not a single word. बेटा आप समझने की कोशिश करो, मेरे और बाबा के जाने के बाद इस घर को और इस घर में अपनी इम्पोर्टेंस को समझना, जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर इस वक्त जब एक लड़की की शादी होने वाली होती है। मामा जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मुझे कुछ नहीं समझ आने वाला, और शादी के बाद मैं आपको कॉल कर लिया करूँगी, सारी चीज़ें पूछ लिया करूँगी। अब खुश? किसका फोन था? मामा मोइस की, बाद में बात कर लूँगी, अभी आप बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, मोइस अब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जाओ उसकी कॉल जाके रिसीव करो। बेगम साहब आप क्यों वहम पाल रही हैं? अपना इलाज करवा के साहब के साथ आप पूरी खैरियत से वापस लौटेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम सब मिलके खुशियां मनाएंगे। सुतानवी बस आप मेरी बेटी और मेरे घर का ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें बेगम साहिबा, आपकी बिटिया को और आपके घर को हम अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझते हैं। को हमेशा सलामत रखे और आपको नसीबत से महफूज रखे। बस आप रोइए मत, मुस्कुरा दीजिए। मैंने भी बहुत स्कैरी सा ड्रीम देखा है, मैं बता भी नहीं सकती आपको। ठीक है मत बताएं, मत बताएं। रोने ख्वाब याद करने के लिए नहीं, भुलाने के लिए होते हैं। हाँ क्यों आते हैं डरावने ख्वाब? बेटा जब इंसान अकेला होता है ना तो शैतान उसे ख्वाब में आके डराता है। हाँ बेगम साहिबा तो रोजाना रात को तुम्हें आयतल कुर्सी पढ़ के दम किया करती थी। आए हाय हमारी अकल भी देखिए, हमें ख्याल ही नहीं रहा आज के बाद रोजाना रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के हम आपको दम किया करेंगे। हाँ अब आप लेट जाओ, हम आपके पास हैं। शाबाश। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आपने इतनी जल्दी चाय पी ली? मैंने आपके लिए केक बेक किया था। अच्छा इतनी जल्दी तुमने केक बेक किया? ये तुमने खुद बनाया? जी मैंने अपने हाथों से बेक किया। अभी आप खाएंगी तो आपको पता चलेगा, अभी तक गर्म है। और ये देखिए चॉकलेट ऊपर से मेल्ट हो रही है। वाह भाई जबरदस्त, बहुत अच्छे। अभी तो मैं इससे भी अच्छा केक बनाती, बस जल्दी में ऐसा ही बना। पता है आपको मैं केक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। और लेना? नहीं बस बेटा थैंक यू। भाई मैं तो लड़कियों के सुघड़ापे की कायल हूँ। वो सियानी कहते हैं ना कि शक्ल पे जोर नहीं और अक्ल का तोड़ नहीं, तो मैंने अपनी बच्चियों को हर अक्ल की बात सिखा दी। क्या सीना परोना, क्या खाना पकाना, क्या घरदारी, माशाल्लाह सब जानती हैं ये। मैं तो समझती हूँ डिग्रियों से ज़्यादा इन्हीं कामों की अहमियत होती है लड़कियों की ज़िंदगी में। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आजकल तो मुलाज़मीन भी सारे काम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, जो घर मुलाज़मीन पर चलते हैं ना उनकी तो बरकत ही उठ जाती है सारी। औरत अपने सलीके से घर के साथ साथ मर्द की किस्मत भी चमका देती है। बेशक बेशक। अम्मी
ये गुले और मुइस कहाँ गए हैं? वो जरा आउटिंग के लिए गए ना भाई, वो शहजादियों की तरह पली बड़ी है। मैंने तो उसे समझाया था कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, दो घड़ी उसके पास बैठ जाना, लेकिन बच्ची है ना, मेरी बात चुटकियों में उड़ा दी और चली गई अपने मंगेतर का हाथ पकड़ के घूमने फिरने। माइंड मत कीजिएगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब चलती हूँ क्योंकि बच्चों को तो आने में भी टाइम है। नहीं नहीं आप मुइस को फोन कर लीजिए ना, आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। आंटी आप मुइस को कंट्रोल करें, नहीं तो गुले इतनी गैर जिम्मेदार है, वो मुइस को भी अपने जैसा बना देगी। अरे नहीं बेटा, वो अकलौती बच्ची है, फिर लाड प्यार से पली हुई है, फिर घर में इतने पैसों की रेल पेल हो तो फिर बच्चे अक्सर लाओबाली और गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या बात कर दी आपने, सब कुछ माँ की तरबियत पर मुनहसर है। अब जैसी माँ तरबियत करती है वैसी औलाद निकलती है ना। अब देखिए मेरी बेटी को, आपको पता है तौकीर भाई और जहांगीर का सब कुछ बराबर बराबर है, क्या सासे क्या बिजनेस क्या ये घर। क्या वाकई तौकीर भाई और जहांगीर भाई जायदाद में बराबर के हिस्सेदार हैं? तो क्या आपको राणा ने कुछ नहीं बताया? नहीं कभी भी नहीं। ओले खुश, हकीकत ये है कि ये घर भी तौकीर और जहांगीर दोनों के नाम है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से खूबसूरत और बड़ा पोर्शन अपने लिए लिया। तो आपने कभी इतराज नहीं किया? नहीं बहन, हमारा दिल ही बहुत बड़ा, अब घर बड़ा ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। कौन सी जायदाद, क्या बात कर रही हैं आप? हैरत हुई ना तुम्हें सुन के, हमें भी हुई और दुख भी हुआ कि मुनीर से इतनी दोस्ती थी उसके बावजूद जायदाद के मामलों में उन्होंने हमसे गलत बयानी की। वो तो शुक्र है कि नौरीन और कवल के मुंह से सच निकल गया, वरना हमें तो सारी जिंदगी ना पता चलता कि असलियत क्या है। ऊपर से लड़की भी इतनी खुदसर, अपनी मनमानी करने वाली। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मंगनी करके हमने ये गलत फैसला किया है। मॉम मैं नूर को इन चंद दिनों में बहुत अच्छे तरीके से जान लूँ, वो बहुत सिंपल और अच्छी लड़की है, और जहाँ तक ये जायदाद की बात है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मुइस, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, एक से एक बड़े घर के रिश्ते आए थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी जिद और तुम्हारी खुशी देकर हमने तुम्हारी मंगनी कर दी थी। सोचा था इकलौती लड़की है, मैके का कोई झंझट नहीं होगा, फिर पैसे वाली भी है, लेकिन उन्होंने गलत बयानी की और सिर्फ मेरा बेटा वो भी उनका दामाद बनता नजर आ रहा है। Why are you sounding so materialistic? क्या हो क्या गया आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी मॉम के साथ नहीं बल्कि नौरीन आंटी के साथ हूँ। आप खुदा के लिए उनसे कम से कम मिला। नूर चलो ना कहीं बाहर चले। तुम्हें पता है अबान क्या कहता है कि इतने अच्छे मौसम में घर में बैठना बहुत बड़ा गुनाह है। ओह यहाँ तो रोमांटिक सीन ऑन है, लगता है मैं कुछ गलत पक्के आ गई। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं कवर, मुझे कह रहा था कि हम कहीं बाहर चलते हैं। हाँ वैसे आज मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे गुल्ले तुम्हारे लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और अम्मी सुबह से बहुत परेशान है, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। राणा चाची का ऑपरेशन जो है, पता नहीं ऑपरेशन हो गया होगा नहीं हुआ, या अभी भी वो डॉक्टर्स के रहम करम पे है। क्या मामा का ऑपरेशन है? हाँ मुझे पता ही नहीं है, मुझे सही लग रहा था कि यहाँ पर हर कोई मुझे कुछ छुपा रहा है। मामा बाबा भी इतने परेशान थे जाने से पहले, और मोइस तुम भी जानते थे, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? कमल तो पागल तो नहीं है, ये क्या कह रही हो तुम? आई एम सॉरी मोइस, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी गुले, मेरी जुबान से स्लिप हो गया, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई तुम्हारे मुंह से स्लिप नहीं हुआ, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। नहीं पहले मुझे ये बताओ कि किस चीज का ऑपरेशन है। गुले राणा चाची का बाईपास है आज, ओपन हार्ट सर्जरी, बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होता है ये। कमल तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, जाओ चली जाओ यहाँ से। इतनी बड़ी बात और मुझे पता ही नहीं है, मेरी मामा वहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ। गुले बिटिया हुआ क्या? सुल्तानी भी आप तो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करे, बल्कि यहाँ पर मुझसे कोई भी बात नहीं करे।
मेरी मामा का ऑपरेशन है और आप सबने मुझसे छुपाया है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। नूर, नूर। कहाँ गायब है मेरा प्रिंस? मैंने कहाँ जाना है? तो फिर सारे दिन कहाँ थे? गुलनूर के पास, आई मीन उसकी मदर का ऑपरेशन था तो उसके पास था। सब थे उसके पास, मुझे भी मुइज लेके गया था। बोल अच्छी लगती है तू। ये कैसा सवाल है? सवाल इतना मुश्किल भी नहीं, जवाब तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में देना। बहुत अच्छी लड़की है। और क्या पूछना चाहते हैं आप? ये क्या है? ये कहाँ से मिली आप? मैं तुम्हारे बाप की चोरी पकड़ सकती हूँ तो तुम्हारी नहीं पकड़ सकती। दिल को पसंद करते हो ना, इसलिए इतने दिनों से अपसेट हो। लेकिन अब इन बातों को क्या फायदा? फायदा है, मेरे बेटे की खुशी में फायदा है। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी नूर के घर। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसकी मंगनी हो गई, जानती तो है आप। तो क्या हुआ, मैं उनसे भीख मांगूंगी, जाके झोली फैलाऊंगी अपनी, अपने बेटे के लिए उन सब से लड़ जाऊंगी। उन सब से तो लड़ जाएंगी आप, लेकिन मेरी किस्मत से कैसे लड़ेंगी? गुल मेरी किस्मत में थी नहीं, मैं जाने में पहले ही उसे ठुकरा चुका हूं खुद। अगर वो मुझे मिलती भी तब भी मैं उसे खो देता। माँ की दुआ में बहुत असर होता। तो फिर आप दुआ करें कि वो मुइज़ के साथ खुश रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब है। बेटा अब आन मुझसे तुम्हारे ये दुख नहीं देखा जाएगा। मुझे मुझे तुम एक कोशिश तो कर लेने दो ना। आप मेरे सर की कसम खाएं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी वो मुझे अपना दोस्त समझती है, उसकी दोस्ती से भी जाऊंगा। तुम्हारा नसीब भी अपनी मां से कम नहीं है। तुम्हारे नसीब में मोहब्बत नहीं है और मेरी किस्मत में वक्त। तुमने मना किया है, कसम दी है तो ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम एक माँ को दुआ करने से नहीं रोक सकते। अब मेरी दुआ है कि गुलनूर मेरे बेटे को भी मिले। अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे जवान बेटे की माँ हो। यही खड़े खड़े तीन लफ्जों में फारिग कर दूंगा। फारिग तो आप मुझे उसी वक्त कर चुके हैं अपनी दानिश में, जब आपने जाली सिग्नेचर करके मेरी तमाम फैक्ट्रियों और जायदाद अपने नाम लिखवा ली, इसलिए कि बाकी तमाम उम्र आपने दूसरी औरतों के साथ अय्याशियां करनी थी। बस बंद करो, ये कैसे कह सकती हो? इस बार सवाल करने की बारी आपकी नहीं मेरी है। जवाब दे मुझे, आपने इतना बड़ा धोखा फ्रॉड मेरे साथ क्यों किया? मैं तो एक कम शक्ल बेअकल औरत थी ना, तो भला आपको छोड़ के कहां जा सकती थी? अगर खुद बेवफाई कर रहे थे तो मेरी वफा पे तो इनकार कर लिया होता। मेरे पीछे मेरी जासूसी करती है? मुश्ताक छोड़ दे मुझे, अबान को इस मामले में इन्वॉल्व करने में मजबूर मत करे मुझे। तू मुझे जवान बेटे की धमकी देती है? छोड़ो नहीं तुझे। छोड़ो मुझे।
मुश्ताक नहीं, मुश्ताक आए। हमने भी पूरी कोशिश की लेकिन अल्लाह की रजा के आगे हम सब बेबस हैं, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। नूर, नूर घर आ गया। तुम फिर से रो रही है? जापान की बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हें उसके पास ही रुकना चाहिए था। नूर, मैं उसको खुद अकेला छोड़ कर आया, एटलीस्ट अकेला रहकर वो रो तो लेगा। He needs to be alone. उसके दिल का बोझ ऐसे हल्का नहीं होगा, उसके दिमाग और दिल में बहुत कुछ है। तुम जाकर उससे बात करो। He really needs you. मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र हो रही है, तुम्हारे आंसू है कि रुक ही नहीं रहे। उसके डैड है उसके पास। Doesn't trust his dad. मतलब अबान ने तुमसे कुछ कहा है? मेरा मतलब है कि उसके डैड खुद ही इतने दुखी हैं, वो क्या उसे दिलासा देंगे। हमें वापस चलना चाहिए। नूर, तुम प्लीज जाकर रेस्ट करो, कल सुबह वापस चलेंगे उसके पास। अच्छा, तुम उसे कॉल कर लेना, मैं भी इसको कॉल करूंगी। नूर, मैंने कहा ना कि तुम परेशान मत हो, कल सुबह होते ही वापस चलेंगे उसके पास। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कितने दिन बीत गए तुम्हारी माँ के गुजरे हुए। और तुम अभी तक उस कैफियत में हो। मेरे लिए अपनी माँ को भुलाना इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके साथ मैं भी मर गया। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत अटैच थे, बहुत प्यार करते थे अपनी माँ से। लेकिन क्या किया जाए, जाने वालों को रोका नहीं जा सकता और ना ही उनके साथ जाया जा सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात? पता नहीं। देखो, खुद को तना मत समझो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो तुम चाहो तो ये दूरी हम दूर कर सकते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो हमेशा तुम्हें बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था तुमसे। लेकिन तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब करूंगा, अब करूंगा कोशिश। क्योंकि वो ऐसा चाहती थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया। अच्छा, तौकीर भाई से राबता हुआ? भाभी कैसी हैं? आप खुद देख लीजिएगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मामा और बाबा कल आ रहे हैं। Really? That's great. Good. तुम्हें किसने बताया? वो रात में मेरी उनसे बात हुई थी ना, तो उन्होंने बताया। आपकी यही बेवफाई मेरी माँ को खा गई। और एक आप नहीं के शर्मिंदा होने के बजाय अब तक अपनी अय्याशी में मदहोश हैं। ये किस लहजे में तुम बात कर रहे हो मुझसे? तुम
भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। भूल तो आप भी गए हैं कि आपकी एक बीवी थी, आपसे मोहब्बत करने वाली, वफा करने वाली, जिसकी दौलत पे आप आज तक अय्याशी कर रहे हैं। भूल तो आप कहें कि आपका एक बेटा भी है जो अभी मौत के मुंह से वापस आया है। मैंने सोचा था कि मम्मी के मरने का तो आप पर कोई असर नहीं हुआ, शायद मेरे मरने से आप सुधर जाएं, लेकिन अपनी जान देने चला था मैं। मेरे मरने से तो आपका रास्ता और भी आसान हो जाता। फादर, योर फादर लव्स यू माय सन। स्टॉप, शट अप। तुम जैसी घटिया औरतें न जाने कितने घर उजाड़ देती हैं। ये सब कुछ मेरी माँ का है, तुम इस पे राज करोगी ऐसा कभी सोचना भी मत। अपनी जबान को लगाम दो, मेरी मेहमान है। मेहमान, थैंक यू सो मच, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब मैं अपनी जान देकर आपका रास्ता मजीद आसान नहीं करूंगा। अगर आपको इस तरह की घटिया लोगों से ताल्लुक रखना है तो शौक से रखिए, लेकिन अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि यह मेरी मां का घर है। अरे गुल्ले, तुम अकेले लगी हुई हो? चलो मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। मोइज नहीं आया ना? वो आएगा भी नहीं, आजकल के मर्दों का तो भी कोई भरोसा नहीं है, ऐन वक्त पे धोखा दे जाते हैं। मोइज किसी को धोखा नहीं देते। देखो नूर, मैं आ गई। नूर, आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गई। नूर, मैं जानता हूं कि उस दिन मैं बहुत रूड हो गया था, लेकिन ये अवान है ना, इसने मेरी अकल ठिकाने लगा दी। मुइज, रिलेशनशिप्स ट्रस्ट पे चलते हैं। मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन तुम नहीं करते। नूर, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार है जो तुम्हारे लिए। बाज़ औक़ात बहुत प्यार से भी इंसान ओवर सेंसिटिव और इनसिक्योर हो जाता, और तुमने क्या किया, मुझे मनाने की बजाय खुद नाराज हो गई। हाँ तो मैं ऐसे ही हूँ, मैं किसी से भी बिला वजह नाराज नहीं होती, इसलिए मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझसे कोई ऐसे बिहेव करे। मेरा नाराज होना बनता है। नूर, ये देखो, आई एम सॉरी। अबान, मुझे तो तू इतना समझाता है, इसको भी कुछ समझा। मान जाए कुछ, बाज़ दफा रिश्ते निभाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, आप कहते हैं तो मान जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आइंदा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। और तुम भी मुझसे एक वादा करो, आज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा नहीं है। उसे तुम्हारी लाताल्लुकी की बर्दाश्त नहीं होती ना। और एक और बात, अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा और ना ही इस मंगनी को ज्यादा प्रोलॉन्ग करूंगा, बस जल्द से जल्द हम शादी कर लेंगे। अच्छा, मेरी हेल्प करो। होल्ड ऑन गाइस, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, लेट मी कैप्चर इट। आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें। रेडी? Gorgeous. Have a look. जहांगीर, खैर तो है? आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? अस्सलाम वालेकुम। कल सब ठीक है? आपने मुझे बुलाया? कुछ ठीक नहीं है।
कुछ ठीक नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जो फ्लाइट लैंड करेगी उसमें तौकीर और राना नहीं होंगे। लेकिन क्यों अंकल, वो इस फ्लाइट से क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि होटल से एयरपोर्ट जाते हुए उनकी कार का शदीद एक्सीडेंट हो गया। तौकीर और राना अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुल्तानी भी, मामा पापा आए। हाय सुल्तानी भी, मामा पापा आए। गुले बिटिया रुकी। हाय मामा पापा, मामा पापा कहाँ हैं? रुकी सुल्तानी भी, मामा पापा आ रहे थे, मामा पापा कहाँ हैं? मामा कहाँ हैं सुल्तानी भी, इसमें क्या है? इसमें क्या है, क्या है इस? मामा पापा आ रहे थे सुल्तानी भी, इसको खोले, इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर? मामा पापा आ रहे थे सुल्तानी भी, मामा पापा कहाँ है सुल्तानी भी? मामा पापा, मामा पापा, मामा पापा, मामा पापा। बिटिया नूर, नूर बिटिया नूर, पानी लाइए। बिटिया क्या हो गया हमारी बिटिया को? यार ये सब कुछ क्या हो गया? एकदम से ये सब कुछ कैसे हो गया? कहाँ था तू यार? मैंने तुझे कितना फोन किया, देख तेरे पीछे क्या कयामत आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं? अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करती थी, पता नहीं किस तरह सरवाइव करेगी अब। ऐसे मत कहो, वो ठीक हो जाएगी, वो जरूर ठीक हो जाएगी। अल्लाह हर मर्तबा हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। पेशेंट के साथ आप लोग हैं? जी जी डॉक्टर साहब, हम भी लोग हैं। पेशेंट को सीवियर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी इन हालात में पेशेंट की मौत भी वाकई हो जाती है। प्लीज ऐसे मत कहे डॉक्टर साहब, प्लीज। वो इनसे कहो ना, इनसे कहो कि ऐसा मत कहे, हमें हमारी गुलनूर सही सलामत चाहिए। मैं अपनी मम्मी की तरह उसे बेहिसो हरकत यहां से नहीं लेके जाऊंगा। अबान प्लीज परेशान ना, मैं कर रहा हूं। मामा पापा को पसंद आएगा? अब बाहर मैंने खुद सजाया घर। अरे ये क्यों ऐसे पड़ा हुआ है? मोइस इसको जगह पे लगाओ। रुक जाओ मोइस। किसके लिए सजा रही हो ये घर?
अब यहाँ कोई नहीं आएगा। नहीं रही वापस दुनिया में। ऐसा नहीं है। Stop it! क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? Stop it! कभी वापस नहीं आएगा। जाने वाले कभी वापस नहीं आते। ये देखो, मैं मामा और पापा कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने खुश थे हम लोग। और ये मामा और पापा। For God's sake, खुदा के लिए अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालो, वरना पागल हो जाओगी तुम। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल, लेकिन अगर कोशिश करोगी तो सब कुछ हो जाए। अब घर का क्या बनेगा जहांगीर भाई? ये मुनासिब वक्त नहीं है खालदा बहन ऐसी बातों के लिए। ये हकीकत है कि राणा और तकीवर भी छोड़कर चले गए, लेकिन इस घर की मकीन अभी जिंदा है। हम एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं, एक दूसरे को संभाल लेंगे। हम महसूस भी नहीं होने देंगे नूर को कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो अकेली रह गई। और ये मेरी दोनों बच्चियां अपनी बहन की गमगुसार, किसी और को तरद्दुद करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम खुद देख लेंगे अपने घर के मामला। और जहां तक ऑफिस की बात है, वो तो जहांगीर पहले ही देख रहे हैं, बाद में भी संभालते रहेंगे। हमारा घर, कारोबार, सब कुछ सांझा ही तो है। कहो, क्या कहना चाह रही हो? जहांगीर, कल गुले हॉस्पिटल से वापस आ रही है, लोग पुरसा देने आएंगे। जनाजे पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अब खामोश नहीं रहेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? जहांगीर, किस्मत ने हमें जिंदगी बदलने का एक बेहतरीन मौका दिया है, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी बात गौर से सुने, आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि ये जायदाद और ये सब कुछ राणा और तौकीर का है। आप सिर्फ रखवाली कर रहे थे उनके बीच। आप सबसे यही कहेंगे कि ये सब कुछ विरासत, जायदाद, बैंक बैलेंस हमारा मुश्तरक है और अब हमारा है। जानती हो क्या कहना चाह रही हो तुम? अच्छी तरह से। और आप भी जहन नशीन कर ले अच्छी तरह से जो कुछ भी मैं कह रही हूं। खुदा की बंदी, अभी तो मेरे भाई भाभी का कफन मैला नहीं, तुम उससे क्या करवाने जा रही हो? देखिए जहांगीर, मेरी बात गौर से सुने, आपके भाई और भाभी कब्रों से उठ के आने वाले नहीं, लेकिन लोग अपने घरों से निकलकर आएंगे और जायदाद में हिस्सेदार बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप सबसे कह दें, कानूनी तौर पर हम वारिस हैं सारी जायदाद के। तुम भूल रही हो नानी, ये सब लावारिस नहीं है, गुलनूर है वारिस। सब कुछ उसी का है, एक एक चीज उसकी है, हम सिर्फ अमीन है। तौकीर आपका सगा भाई था, हकमंत है आपका, क्या करेगी नूर इस सारी जायदाद का अकेले? खुदा के वास्ते जहांगीर, अपनी दो बेटियों का भी कुछ सोचिए। नौरीन, तुम आग खरीदने की तैयारी कर रही हो। खरीद लेने दे मुझे आग। जिंदगी भर इस दुनिया की दोजख की आग में जलती आई हूं मैं, लेकिन अब परवाह नहीं मुझे।
मुझे अपनी बेटियों के लिए वो सब चाहिए, वो सब जिसके लिए वो आज तक तरसती आई है। हाय गुरु, क्या कर रही हो? मामा बाबा की चीजें ठीक कर रही हूँ। यहाँ इस कमरे में कोई आता नहीं है ना, मुझे ही करना पड़ता है। जब मामा की चीजों को हाथ लगाती हूँ तो ऐसा लगता है मामा मेरे पास है। और ये मोइस भी ना, उसने कहा था मेरी कॉल पे बात करवाएगा, खुद तो आया नहीं, मेरे नंबर से कॉल भी नहीं लग रही। प्लीज आप मिला कर देखें। कुन, तुम्हारी मम्मी जहाँ रहती है वहाँ फोन के सिग्नल्स नहीं जाते, सिर्फ दिल के सिग्नल्स जाते हैं। अब तुम्हारी उनसे कभी बात नहीं हो सकेगी। लेकिन मुइस ने तो कहा था कि वो कर। मुइस झूठ बोल रहा है, तुम्हारा दिल रखने के लिए धोखा दे रहा है तुम्हें। कुन, मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत का सामना कर लो। ये कपड़े, ये परफ्यूम तुम्हारी मामा कभी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मरने वालों को इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। बेहतर यही होगा कि तुम ये चीजें किसी को दे दो ताकि आंटी को सवाब मिले। नहीं अबान, मामा नाराज होंगी। नाराज नहीं होंगी, बहुत खुश होंगी कि उनकी चीजें कम अज कम किसी के काम तो आई। गुल, तुम्हारे मामा बाबा अब इस कमरे में, इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज रियलाइज दैट। अगर आपको किसी की चीजें देनी है ना तो अपनी मामा की दें, उनकी डेथ हो गई है। मेरी मामा बिल्कुल ठीक है, बाबा उनको लेकर आने वाले, उनका ऑपरेशन भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। आप अपनी मामा की चीजें लें, मेरी मामा की नहीं। कुछ नहीं, तुम अपनी मामा बाबा से मिलना चाहती हो? बोलो, मिलना चाहती हूँ उनसे, तो चलो मेरे साथ। आओ मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ये तुम्हारे बाबा हैं। और ये तुम्हारी मामा। अब ये नहीं कब्रों में रहते हैं। यही इनकी आखिरी आरामगाह है। अब वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएंगे। और अच्छा यही होगा कि तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो। मेरे मामा बाबा नहीं हो सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, मेरे मामा बाबा ये नहीं हो सकते। तुम्हारे मामा बाबा मर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान को मौत का जायका चखना है। ये फूल रख दो उनकी कब्रों में। मरने वालों का हक होता है कि उनको आंसुओं का नजराना दिया जाए, उनकी याद में रोया जाए। तुम कैसी बेटी हो, अपने मां बाप का हक अदा नहीं करोगी? फातिहा पढ़ के उनके बख्शवाओगी नहीं? उनको ये नहीं बताओगी कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करती हो? क्या जरा भी मोहब्बत नहीं है तुम्हें उनसे? बोलो, जवाब दो। नहीं, ये मेरे मामा बाबा नहीं हो सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। ये मेरे मामा बाबा नहीं हो सकते। कह दो ये सब कुछ झूठ है। यही सच है।
और तुम्हें अब इस हकीकत को मानना होगा, और अच्छा होगा कि तुम उसको मान लो। चले गए हैं तुम्हारे मामा बाबा, तब तुम्हें इस दुनिया को अकेले ही फेस करना है। हम अपनी बेटी को पूरी दुनिया घुमाएंगे, इट्स अ प्रॉमिस। आप अपनी बेटी से इतने मुश्किल मुश्किल वादे ना क्या करें। हमारी दूल्हे के लिए हर बात मंजूर है। परेशान खड़े होने से कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि उस दीवाने लड़के के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करे। ठीक कह रही हो। अंकल प्लीज, मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ये कोई तरीका है? हमारी लड़की का हाथ पकड़ के ले गया वो। मैं पूछती हूँ किस हक से लेके गया वो उसे? किधर चले गए थे? कहां ले गए थे इसको? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? ये कोई तरीका है? कोई ऐसे भी करता है? अब्बू, मामा बाबा मुझे छोड़ के चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने अपनी आंखों से दोनों की कब्रें देखी है। मेरा दिल फट जाएगा अब्बू, मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर। सब्र करो बेटा, सब्र। तुम्हारा ताया तुम्हारे साथ है। बेटे तुम मेरे लिए कमल और कोमल से भी बढ़कर हो। रोलो मेरी बच्ची, रोलो। रोने से दिल का खड़े खड़े कहते हो। पानी लाओ बहन के लिए। आ जाओ बेटा, बैठ। लो बेटा। मेरे परवरदिगार, जो गम का पहाड़ हमारी बिटिया पर आज पड़ा है, इसे बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमा। आमीन। मैं तो अभी भी काफी बेयकीनी और उलझन का शिकार हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती तो तौकीर और राणा हमसे जिक्र तो करते कि नौरीन और जहांगीर जो है उनकी सारी दौलत जायदाद घर में बराबर के हिस्सेदार है। तौकीर भाई ने आपसे कभी कुछ कहा था? नहीं, वो इशारों में कुछ मुझे पता चला कि जब जहांगीर भाई का बिजनेस डाउन हुआ तो उन्होंने अपना घर का ऊपर का पोर्शन उनको दे दिया एज अ कर्टसी। मुनीर, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अब देखिए, हम अपने मामला तो खराब नहीं कर सकते ना। शादी होने वाली है और ये दोनों गुलनूर के गार्डियंस हैं। गार्डियंस हैं और बैठे बिठाए गुलनूर और मोइस की जायदाद के हिस्सेदार बन गए। मोइस की जायदाद? ओहो, आप इतने नासमझ मत बनिए। मेरे कहने का मतलब है, तौकीर और राणा के बाद सारी जायदाद दौलत अगर गुलनूर की है तो मोइस की भी तो है। ऊपर से गुलनूर इतनी अजीब से मिजाज की लड़की है, अब जायदाद भी दूसरों के हवाले कर देंगे तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। तुम्हारी बात की समझ बिल्कुल नहीं आ रही। दो दिन के बाद मेरी फ्लाइट है अमेरिका के लिए। क्यों? एडमिशन लेटर आ गया, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है और फोटोग्राफी के कुछ कोर्सेज भी करने हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे जिस मकसद के लिए जा रहे हो इसमें कामयाब हो। अगर तुम कहो तो तुम्हें रुक सकता हूँ। नहीं अबान, तुम जाओ,
तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगा कि शायद मेरे जाने की बात तुम्हें बुरी लगी है। तुम्हारे जैसे दोस्त से अलग होना मुश्किल है, लेकिन मैं सेल्फिश नहीं हूँ। तुम्हें सक्सेसफुल देखूंगी तो ज्यादा खुशी होगी मुझे। जानती हो, अगर मेरे पास बहुत सारी खुशियां होती ना, तो बहुत सी मुस्कुराहटें होती, मेरे पास उनको शेयर करने के इख्तियार होता, तो मैं सब कुछ तुम्हें दे देता। अलबत्ता मैं तुम्हें हौसला और तसल्ली देने आया हूं, एक अच्छे दोस्त की तरह। थैंक यू अबान, तुम आए मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को हौसला दिया। तुम्हें याद है एक दफा तुमने मुझसे खुश रहने और खुश नजर आने का वादा लिया था? आज मैं भी तुमसे वही वादा लेना चाहता हूं। एंड ट्रस्ट मी, ये वो वादा है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देता है। सॉरी अबान, कि मैं ये वादा नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है। मेरे भी तो बस में नहीं था, लेकिन मैं भी तो ये वादा आज तक निभा रहा हूं ना। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूं अबान, मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, उनको खो देने के बाद मैं खुश रहने का सोच भी नहीं सकती। मैं फिर भी इंसिस्ट करूंगा, अगर खुश रहना मुश्किल हो तो कम से कम खुश नजर आने की कोशिश तो कर सकती हूं ना। तो देखो गुल, मैं जा रहा हूं, और जाने से पहले सिर्फ एक बार मैं तुम्हें इन आंसुओं के बगैर देखना चाहता हूं। प्लीज ये आंसू पोंछ दो और एक बार मुस्कुरा दो, प्लीज। What a surprise! आज सूरज कहाँ से निकला है? तुमने खुद ही मुझे कॉल करके बुला लिया। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैंने अबान के लिए वॉच निकाली है। तुम्हें याद है ना, बाबा के लिए गिफ्ट लिया था मैंने। खैर, हम उसे सी ऑफ करने जाएंगे ना, तो मैं उसको दे दूंगी। अच्छी है ना? कमाल, जब मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रहा था तो तुम तैयार नहीं थी, और आज तुम किसी को सी ऑफ करना चाहती। इवन मामा ने तुम्हें घर बुलाया पर तुम नहीं गई। अपने दिल के आके मजबूर थी, जो कि कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या आज फिर दिल के हाथों मजबूर? आज मैं दिमाग के आके मजबूर हूँ, जो कि बार बार मुझे एहसास दिला रहा है कि हबान ने मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। अपना हम बुलाकर हमारा साथ देने की कोशिश की है। तो मैंने नूर, क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तुम अपने आप को अबान से क्यों कंपेयर करते हो? हम एक रिलेशनशिप में हैं, जो कुछ एक दूसरे के लिए करते हैं वो हमारा फर्ज है, लेकिन वो बेगर्ज होकर करता है। हमारा दोस्त है वो। हबान मेरा भी दोस्त है, मेरा भी कजन। जब मैं उसे सी ऑफ करने नहीं जा रहा तो तुम क्यों जा रही? खैर, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, तुम कौन सा मेरी बात सुनोगी? तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम उसको फ्लाइट नंबर SMS कर दो। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी मुझसे मिलने। सिर्फ दोस्ती निभाना आपको तो नहीं आती? मुझे भी आती है, तो कैसे नहीं आती?
ये आपके लिए। ये क्या है? एक छोटा सा गिफ्ट अपने दोस्त के लिए, ताकि इसको देखकर आपको हमेशा एहसास हो कि आपको जल्दी से अपना गोल अचीव करके वापस आ जाए। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। इस घड़ी की टिक टिक के साथ मेरी दिल की धड़कने भी हमेशा जुड़ी रहेंगी, क्योंकि ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने जो मुझे दी है। मेरा ख्याल है कि हम काफी टाइम जाया कर चुके हैं, चलना चाहिए, कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए। ठीक कह रहे हो तुम, बहुत वक्त जाया कर दिया मैंने, और अब हाथों में पछतावों के सिवा कुछ भी नहीं रहा। इतना इमोशनल क्यों हो रहा है यार? मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए, फ्लाइट मिस ना हो जाए। मोइज, ऐसे भी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने अबान को खुदाफिज भी नहीं किया, और मुझे ने गुड बाय विशेस भी तो देनी है। उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी इसलिए कह रहा हूँ। एक काम करना कोमल, अभी सी ऑफ करने जा रहे हैं ना, रास्ते में बातें कर लेना। अबान चले। Yeah, let's go. मैंने सोचा कि अंकल आंटी से मिले हुए काफी टाइम हो गया, तो उनको सरप्राइज कर। मामा डैड तो घर पर नहीं। ओके, फिर मैं चलती हूँ। सुनो, अगर मॉम और डैड घर पर नहीं है, क्या मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई अहमियत नहीं? अगर मामा बाबा के बाद किसी की भी मेरी जिंदगी में अहमियत है तो वो तुम्हारी है। प्लीज कभी ये नहीं सोचना कि तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है। I'm glad कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। गलती या नादानी, I don't know कि तुम्हारे और अबान के बीच में क्या टेंशन है, लेकिन अबान मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है। मेरा कर्ज था उस पर, बस मैं वही उतारना चाह रही थी। कैसा कर्ज? धरती का कर्ज। फिर तो एक कर्ज मेरा तुम पर भी है। कैसा कर्ज? मोहब्बत का कर्ज। मामा पापा के चले जाने के बाद मेरा मेरी फीलिंग्स का इजहार करना बहुत मुश्किल लग गया। ऐसा लगता है जैसे सारी फीलिंग्स मर गई। हाँ, लेकिन कुल मैं अपने दिल का क्या करूं, उसे कैसे समझाऊं? पता नहीं, प्लीज स्टॉप। कोई फियांसे हो तुम्हारा? इतना अनकंफर्टेबल होने, कह रही हूं ना, प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। खुद तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही, हमारी बहुत जल्द शादी। स्टॉप प्लीज। खैरियत? सुने तुम्हें मुझसे मिलना है, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? कमल, तुम मेरे साथ चल सकते? कहाँ? ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, डू यू ट्रस्ट मी? मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो या नहीं। तो चलता हूँ। मोइज़ रुको,
मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो खुद सोचिए, पिछले कई दिनों से मैं उससे खफा हूं और उसने मुझे एक कॉल नहीं की। क्या ये बात काफी नहीं? डैड, आई एम अ ग्रोन अप नाउ, आई एम नॉट अ किड एनीमोर। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले कर सकता हूं। अब प्लीज प्लीज मेरे लिए और इन आंटी से बात कीजिए। गुले, खाना क्यों नहीं खा रही? सब इंतजार कर रहे। मुझे भूख नहीं लग रही है बेटे। अगर भूख नहीं भी है तो दो चार निवाले मेरे साथ खा लो, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। क्यों, भूखे रहने से तो बीमार हो जाओगे बेटा। चलो उठो। ये क्या है, लाओ मुझे दिखाओ। ये नेम प्लेट तुम्हारे पास क्या कर रही है? बाहर लॉन में पड़ी थी, शायद अब घर के बाहर दीवार पे इसकी कोई जगह नहीं रही। अभी माँ पापा का घर नहीं है ना? ऐसा नहीं है बेटा, ये सब तुम्हारा है। आओ उठो मेरे साथ आओ, कम ऑन उठो। शाबाश, ओके। ये क्या है? गुले राणा के नाम की तख्ती क्यारियों में पड़ी हुई है और तुम्हारे नाम की तख्ती गेट पर लगी हुई है, ये हो क्या रहा है? वो दरअसल टूट गई थी, मैंने कारपेंटर को बुलवाकर नई बनवा ली। वो शायद गलती से जल्दी में मेरे नाम की लगा गया होगा, दोबारा लग जाएगी। ये टूटी हुई कहां से लग रही है? खैर, अगर ये कारपेंटर की गलती है तो कल ये गलती दुरुस्त हो जानी चाहिए। हो जाएगी ठीक, क्यों राय का पहाड़ बना रहे हैं? और वैसे भी इस पर गुले की माँ का ही नाम लिखा है ना, तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो इसकी माँ ही हूँ ना, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ बेटा, है ना? देखा, चलो शाबाश, खाना खा लो, चलो आओ उठो, तुम अपने लिए दूसरी कुर्सी लेकर आओ, बहन को बैठने दो, शाबाश, चलो चलो आओ आओ। ये मुझे दे दीजिए, आप बैठिए खाना खाइए, आ जाओ शाबाश, बैठो बैठो बेटा। कभी दिल नशी था समा पिया। सुल्तानी भी आप यहाँ पर अकेले क्यों कर रही हैं? अकेले तो हम पड़ गए हैं बिटिया, जब से हमारी राना बेगम साहिबा और तौकीर साहब इस दुनिया से गए हैं ना,
हम बहुत तन्हा हो गए और अच्छा है इस गोशा आफियत में आ गए, यहां पड़े रहेंगे, ना किसी से कुछ कहेंगे और ना सुनेंगे, ना तो अपना दिल जलाएंगे और ना किसी और का। सानी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे सही तरह पता है आप यहाँ पर क्यों आ गई हैं? अपना सारा सामान लेकर आप मुझसे नाराज है ना? मैं बहुत बुरी हूँ, आपको हमेशा हर्ट करती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, हम यहाँ अपनी मर्जी से थोड़े आए, आपकी ताई अम्मा के मिलने पर यहाँ आए। क्या जी? नौरीन बीबी ने हुक्म दिया है कि अब हम यहीं रहेंगे, सिर्फ काम के औकात में ऊपर आएंगे या फिर उनका हुक्म मिलने पर अपनी औकात के मुताबिक। और आप सुल्तानी बीजा से बूटी टूटी के लिए परेशान ना हो, उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके हाथों से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं और आपको एहसास ही नहीं, जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, आपको खुद खबर नहीं है कि वो आपके लिए क्या मानी रखती है। जाइए जाइए और जाकर देखिए, अपनी आंखें खोलिए बिटिया। देखो इस अरसे में मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ उसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, और शायद इतना दूर कर दिया कि एक दूसरे के लिए कशिश भी बाकी ना रही। तुम अब वो नहीं रही जिसे मैंने मोहब्बत की, इसलिए मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूं। नूर, मेरा अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं, तुम अपनी जिंदगी के फैसलों में बिल्कुल आजाद हो, मैंने भी अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। एक मशवरा दूं, मेरे बाद अगर तुमसे कोई मोहब्बत करने की कोशिश करे या तुम्हारा हाथ थामने की कोशिश करे तो खुदा के लिए उसको इतना फॉर ग्रांटेड ना लेना कि वो अपनी ही नजरों में गिर जाए, पत्थर की देवी बनकर उसको अपना पुजारी ना बना लेना, क्योंकि पत्थर ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही किसी को रहने देते हैं। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। देखा देखा तुमने, जज्बे अगर सच्चे हो तो अपना आप मनवा ही लेते हैं। मैं कहती थी ना तुमसे कि मेरा दिल कहता है मोइज़ सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और तुम मजाक उड़ाती थी मेरा, हंसती थी मुझ पे, लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन था जो चीज़ हासिल करने का इरादा एक बार मैं कर लूँ मुझसे वो चीज़ इतनी आसानी से कोई नहीं छीन सकता। अब देख लिया ना कैसे मैं गुल्ले के शिकंजे से मोइज़ को छुड़ा कर लाऊं, और अब मोइज़ सिर्फ मेरा है, मोइज़ सिर्फ मेरा है। कवल, अगर मोइज़ को इतना चाहती थी तो एक बार मुझसे कह देती ना, अपने दिल का हाल बताती, फिर शायद उसको ऐसे छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुले तुम गलत सोच रही हो, मैं तो ऐसे ही कोमल के साथ मजाक कर रही थी, हकीकत तो ये है कि मोइज़ ने मुझे खुद प्रपोज किया। उसका कहना है कि तुम लोग ज़हनी तौर पे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो, तुम लोग की सोच नहीं मिलती। हाँ वो ठीक कह रहे हैं, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत फ़र्क है हमें। अगर उसने मुझे छोड़कर तुम्हें प्रपोज किया है तो तुम्हें खुशियाँ मनाने का हक है, ये मत सोचना कि मैं दुखी होंगी, मुझ में लाख बुराइयाँ सही,
लेकिन अपने माँ बाप से मुझे एक चीज़ ज़रूर मिली है, मैं दान और खैरात पर बहुत यकीन रखती हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है। कमल, कमल। जी अबू। ये तुम्हारे मुइज़ के बीच में क्या चल रहा है? क्या सोचकर ये सब खेल खेला था तुमने? डायन भी 10 घर छोड़ देती है, तुमने अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया। अबू आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए कि तुम्हारी समझ मुइज़ के चक्कर में गारत हो गई। अरे तौबा तौबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही बातें कर रहा हूं जो मैं सुनकर आया हूं। मुनीर ने मुझे साफ साफ बताया कि मुइज़ और गुले के रिश्ता टूटने की असल वजह कमल है। ये तरबियत की है तुमने बेटियों की, जिसमें तुम्हें बड़ा नाज था। क्यों ना हो नाज, लाखों में एक है मेरी बेटी। अब अगर मुइज़ को उसका सलीका और रख रखाव पसंद आ गया तो इसमें ये बेचारी क्या करती? क्या करती? मुइज़ से मिलना छोड़ देती। आइंदा मुइज़ को मैं इस घर में न देखूं। उसने अगर गुले से शादी नहीं करनी तो न करे, लेकिन उसकी शादी कमल से भी नहीं होगी। अबू अगर मुइज़ गुले के बजाय मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? अगर गुले मुइज़ के मायार पे पूरी नहीं उतरी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं सिर्फ मुइज़ से ही शादी करूंगी। कमल! अरे मेरी बेटी पर हाथ उठाया आपने, बस यही कसर बची थी जहांगीर साहब। ये हाथ मुझे उसी वक्त उठाना चाहिए था जब ये गुल्लूर के हक पे डाका डालने जा रही थी। एक बात कान खोल कर सुन ले, गुल्लूर की खुशियों के जनाजे पर तुम अपनी खुशियों का महल नहीं बना सकती, कभी नहीं। बैठो। तुम पानी लेकर आओ। थैंक यू। चलो जी। जी खालदा बहन, मैंने तो जहांगीर से साफ साफ कह दिया कि जिस बात में मेरी बेटी खुश है मैं भी उसी में खुश हूँ। अब वैसे भी जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं ना। अब अगर खुदा ने गुलनूर के बजाय कमल और मुइज़ का साथ लिखा था तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। आ गए आप? खालदा का फ़ोन था, वो आना चाहते हैं मुइज़ और कमल का रिश्ता तय करने के लिए। ये तुम्हारा वकील देखे। अरे इतना बड़ा काम इतनी जल्दी? अब हम सचमुच हर चीज के मालिक हैं। अब ये हर चीज हमारी है। आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं? अब किसका डर? अब तो सब कुछ हमारा है, चोर भी हम ही, कोतवाल भी। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुमने खालदा की लालची फितरत का खौफ दिलाकर तौकीर की दौलत अपने नाम करवाई और अब उसी लालची खालदा के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो। मुझे लग रहा है मुझसे बहुत कुछ गलत हो गया है। कुछ गलत नहीं हुआ, वैसे भी हम तौकीर भाई के वारिसों में से थे। पहले जबानी कलामी था, लेकिन अब तो बकायदा लोगों की तसल्ली के लिए कागजात में भी वारिस हो गए। रहने दीजिए आप, मैंने संभाल के रखती हूँ कहीं। मुझे डर लगे से। कुछ काम था तो हमें आवाज दे देती। ये क्या है आपके हाथ में? सुल्तानी भी, अब मैं ऊपर नहीं रह सकती। वहां मेरे मामा पापा की यादों पर भी पहरा लगा दिया गया। घर अब मेरा नहीं रहा, मेरे मामा पापा का घर नहीं रहा। मैं अब यहाँ आपके साथ रहूंगी। नहीं बेटी, हाँ नहीं,
हिमाकतों की भी बात होती है। हम आपको इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। आप चलिए उठिए अभी हमारे साथ। सुतानी भी, मामा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मामा बाबा की यादें तक मुझसे छीन ली गई है। सब कुछ मैंने उन लोगों को दे दिया है। बस अपना वजूद, मेरे माँ बाप की यादें लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे वापस जाने के लिए मजबूर मत करें आप। क्या हुआ मुईस, रुक क्यों गए? जल्दी से रिंग पहनाओ ताकि तुम दोनों को मुबारकबाद दे सकूं। हाँ हाँ पहनाओ बेटा पहनाओ। बेटा बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो कवन, मुबारक हो मुईस। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। एक अनवांटेड और अनप्लेजेंट रिश्ते से तुम्हारी जान छूटी। कमल बिहेव योरसेल्फ, कैसी बातें कर रही हो? मौका है ऐसी बातें करने का। छोड़े ताबू मुईस, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। मुझे खुशी होगी अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे। शुक्रिया। मेरा गिफ्ट कहाँ है गुले? कवल, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो मिल चुका है ना। अच्छा छोड़ेंगे बातें, मैं आप सबके ग्रुप फोटो लेती हूँ। अमर भाई। सलाम साहब। वाहेगुरु। तुम अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आप इतना अचानक? हाँ कभी कभी अचानक आना अच्छा होता है। लोग रंगे हाथों पकड़े हुए जाते हैं। बेटा मुझे इन्फॉर्म कर देते मैं एयरपोर्ट लेने आ जाता। सरप्राइज देना चाहता था आपको, लेकिन आप तो सरप्राइज से ज्यादा शॉक लग रहे हैं। वैसे इस औरत में शर्म नाम की चीज भी है या नहीं? मेरे इतने कहने के बावजूद अब भी मेरी माँ के घर में मौजूद है। अपान मैं तुम्हारी बस खबरदार, जो खुद को मुझसे जोड़ा तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
गुल, आप? ये सब कुछ क्या और है? मुईज की शादी तो तुमसे होने वाली थी ना, तो फिर ये कवल उसके साथ बैठी क्या कर रही है? आहिस्ता नहीं मैं बात कर सकता, मुझे बताओ ये सब कुछ क्या और है? सर मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी प्लीज फिलहाल मेहंदी एंजॉय करें। मुईज ने तुमसे मंगनी तोड़ दी ना? We'll discuss this later. No, we'll discuss it now. चलो मेरे साथ। अरे अबान मेरी बात तो सुने। मुईज, अबान तू कब आया? ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मुईज? अबान, hold yourself. यहाँ पे तमाशा मत बना। तमाशा? तमाशा तो तुमने गुल्लूर को बना दिया है। प्लीज अबान चलें यहाँ से। नहीं, मुझे अभी बात करने दो। अगर मैंने अभी बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, और मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज मेरे मामले में इंटरफेयर मत करें। लेकिन गुल, क्या हो रहा है? जाके इस पागल को रोकिए। क्या सोचते होंगे लोग हमारे बारे में? बेटिया बान, क्या बात है? कुछ नहीं, बस हमारा फंक्शन खराब करने आया। मुईज तू मेरा दोस्त है और गुल भी मेरी दोस्त है। अगर तुम दोनों के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम है उसको अभी रिजॉल्व करो, अभी और इसी वक्त। बस कर दे अबान, बहुत हो गया। अगर मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकता ना तो चला जाए यहां से। बेटे एक मिनट अबान। बेटा अबान मेरे साथ आओ। बेटा कम ऑन। क्या हो? कुछ नहीं। कुछ कहोगे नहीं क्या? कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी। मेरी मुंह दिखाई? ये क्या है? अंगूठी है। तुम मुझे मुंह दिखाई में इतनी मामूली सी अंगूठी दे रहे हो? कमल, डायमंड की रिंग है और तुम कह रही हो कि मामूली? तुम मुझे डायमंड का सेट भी तो दे सकते थे। अब कोमल मेरा मजाक उड़ाएगी। ओके बाबा, नाराज मत हो, मैं तुम्हें डायमंड का सेट भी दे दूंगा। अभी तो ये रिंग पहन लो। सुबह जब मेरी दोस्त ने मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें मुझे ने क्या गिफ्ट दिया, कोई फ्लैट, प्लॉट, प्रॉपर्टी के पेपर्स, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? तुमने शादी की पहली रात मेरा दिल तोड़ दिया। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, कहा ना बहुत जल्द तुम्हें सेट भी दे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा चलो, ये मुझे पहनाओ। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलवाया था? जी,
मैं पहले भी आया था लेकिन आप पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका बहुत जल्द तय हो जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्या खास बात है? आपकी वालदा की वसीयत, उसके लिए आप दोनों का यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो आप सब यहाँ मौजूद हैं ना, आप जल्दी से वसीयत क्यों नहीं पढ़ देते? मैं मेहर मुश्ताक, जौजा मुश्ताक अहमद, अपनी पूरी जायदाद मनकुला और गैर मनकुला अपने बेटे आबान मुश्ताक के नाम करती हूँ। मेरी तमाम फैक्ट्रियाँ, मेरा घर और मेरी गांव वाली ज़मीन, आज के बाद इन सब का मालिक मेरा बेटा आबान मुश्ताक होगा। मेरे शौहर का इस पूरी जायदाद पे कोई हक नहीं है, ये तमाम जायदाद उसकी मिल्कियत है, अब वो चाहे उसे बेचे, रखे या जो मर्जी करे। मेरे शौहर को हर महीने एक मुनासिब रकम मिलती रहेगी जिसका मैंने आगे तस्करा कर दिया है। तायबू, कॉफी? थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुमने चेंज नहीं किया? नहीं, मैंने सोचा पहले मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। आप काफ़ी थक गए होंगे, बाबा जब भी थके हुए वापस आते थे तो मामा अपने हाथों से उनके लिए कॉफ़ी बनाती थी, सारी थकन दूर हो जाती थी। आप कॉफ़ी पिए, आप भी फ्रेश हो जाएंगे। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। तायबू, आपने कहा था ना कि कवल की शादी के बाद हम मेरी जॉब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आज तो वनीमा हो गया। मैं सोच रही थी कि मैं एनजीओ में अप्लाई करूँ, ऐसे में लोगों की भी हेल्प कर सकती हूँ। तुम बिल्कुल तौकीर भर गई, वो भी लोगों के हेल्प करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। बेटे, अगर किसी की हेल्प करनी है तो मेरी हेल्प कर दो। क्या मतलब? बेटे, कहीं और जॉब करने की क्या जरूरत है? अपने बाबा का ऑफिस संभालो। मुझे लगता है मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इतना सारा कारोबार मुझे अकेले से अब नहीं संभल रहा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं कल से आपके साथ चलूं? नहीं, कल से नहीं बेटा, कुछ दिन शादी की थकन उतर जाए तो फिर देखेंगे। ताए अबू, मुझे ऐसा कोई थकन नहीं है, मैं कल से ही आपके साथ जाऊंगी। ओके बेटा, ओके। कॉफी पी जा रही हूँ। सर में शदीद दर्द था, कॉफी का एक घूंट लेते ही गायब हो गया। गुलनूर बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, बिल्कुल राणा भाभी की तरह। मुझे तो लगता है उसने कॉफी में कुछ घोल के भी पिला दिया आपको, आजकल उसकी बातों का बहुत असर होता है आपको। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने सुना वो कह रही थी ऑफिस जाना चाहती है आपके सर। हाँ, तुम्हें बड़ा नाज था अपने रख रखाव पर, फिर ये हरकत कैसी? जानती हो किसी की छुप कर बातें सुनना बद तहजीबी है। तो छुप छुप कर मंसूबे बनाना, मक्कारी करना, अपनी भतीजे की इस हरकत को क्या कहेंगे आप? गुलनूर बहुत मासूम बेटी है, मक्कारी उसे छू कर नहीं गुजरी। अकल आपको छू कर नहीं गुजरी। मैं चाहती हूँ कि सारा कारोबार आपके इख्तियार में, लेकिन आप खुद ही कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। क्या गुलनूर का इस कारोबार में कोई हिस्सा नहीं? कारोबार उसके बाप का है नहीं, था। अब ये सब कुछ मेरा, आपका और मेरी बेटियों का है। माफी चाहता हूँ, मैं उस मासूम बच्ची को उसके जायज हक से कभी महरूम नहीं करूंगा। तो ठीक है, जो देना दिलाना है दे के एक तरफ कीजिए उसे, लेकिन वो ऑफिस नहीं जाएगी। मैं उसका रिश्ता देख रही हूँ, जितनी जल्दी वो अपने घर की हो जाए उतना अच्छा। खैर, इस रिश्ते की बात को तो बाद में देखेंगे। कल गुलनूर मेरे साथ ऑफिस जाएगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्यों, क्या अब इस घर से आने जाने पर भी तुमसे पूछना पड़ेगा?
लेकिन मैंने तो एक सादा सा सवाल पूछा है, आप पता नहीं क्यों इतने नाराज हो रहे हैं। तुम्हारे इस सादा से सवाल का मकसद मुझे पता है। एक बात कान खोल कर सुन लो, उस फैक्ट्री पर मैंने मेहनत की है, उसमें मेरा पूरा हक है। चार लफ्जों की वसीयत पे ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा ही जिद बहस करनी है तो अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, बेहतर तो यही होगा कि ये मामला अदालत तक ना ही पहुंचे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपका केस कितना वीक है। किसका केस कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग, इसका फैसला वक्त आने पर होगा। देखिए, बेहतर तो यही होगा कि आप मेरी बात पूरी तरीके से सुन लें। खड़ा हूं, बोलो, करो बकवास। देखिए, ये बात तो तय है कि अब इस घर पे और इस फैक्ट्री पे आपको कोई हक नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी मां ने जो फराख्दिली आपके लिए दिखाई है वो कायम रहे। मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को दुनिया के सामने कभी भी तमाशा बनने नहीं दूंगा। ये घर कल भी आपका था, आज भी आपका है। बज़ाहिर वो फैक्ट्री भी कल आपकी थी और आज भी आपकी है, लेकिन उसके सारे फाइनेंसेस मैं खुद देखूंगा। मैं हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा कि जो भी रेवेन्यू आए वो लालची और खुदगर्ज लोगों को लुटा दिया जाए। इससे बेहतर तो यही है कि हम एक ऑर्फनेज खोल लें। ये लालची और खुदगर्ज तुम किसे कह रहे हो? खुदगर्ज तो तुम थे जो अपने बाप को तन्हा छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। ये तो मैं थी जिसने तुम्हारे बाप को संभाला। मैं बहुत एहसान मंद हूँ आपका कि आपने मुझे यतीम होने से बचा लिया, वरना ये तो मेरी माँ के गम में मरने ही वाले थे। तुम अदब और लिहाज की तमाम हदें पार कर रहे हो, और आप बेमुर्रवती और खुदगर्जी की सारी हदें पार कर चुके हैं। आपने जो भी इज्जत मेरी माँ की दौलत पे बनाई है, मैं चाहता हूँ कि वो कायम रहे। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप खुद ही अपनी इज्जत उछालना चाहते हैं तो ठीक है, फिर हमारा आमना सामना अदालत में। अभी चले वकील के पास, अब बात अदालत तक जाए। सोच क्या रहे, चले ना। अपने पापा की कुर्सी संभालो, आ जाओ। क्या सोच रहे हो बेटा? दिस इज योर ऑफिस, योर पापा's ऑफिस। ना गुल्ले ना, मैं इसलिए तो नहीं लाया था तुम्हें यहां। प्लीज कूल डाउन। बस ये सब तुम्हारा है, तुम ही ने ये संभालना है। रोते नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो, हौसले से काम लो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मान, ये सब क्या? ये सब फूलों केक ही तो है। फिर भी क्या जरूरत थी? देखो, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए इतना तो बनता ही, और वैसे भी आज तुम्हारे ऑफिस में फर्स्ट डे है। We have to celebrate that as well. तुम भी ना। There we go. देखो, अगर उसके बाद तुम चाहो ना तो मुझे एक अच्छी सी ट्रीट भी दे सकते हो, but only if you want to, okay? But for now, let's just cut the cake. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh. What a lovely place, huh? I think they have recently opened up. Stop. Very nice. Moise? Huh? यही वो लड़की है ना जो अपने पेरेंट्स के गम में नहीं ढालती और जिसके आगे पीछे तुम घुमा देते थे। इसको इसको जरा भी अफसोस नहीं है तुम्हारे साथ छूटने का। I swear, Moise,
मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर इस लड़की की जगह मैं होती ना तो कब की अपनी जान ले चुकी होती। अरे मुईस, क्या हाल है? हाय हाय, तुम लोग कैसे हो? कैसे लग रहे हैं? परफेक्ट फॉर ईच अदर। वो तो है। वैसे एक बात बताओ, हम दोनों आपस में खुश भी बहुत हैं। बाय द वे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली, गुल ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया है, वो उसी की ट्रीट के लिए आए थे। व्हाई डोंट यू गाइस जॉइन अस प्लीज, आइए बैठिए। नो थैंक्स, मैं और मोइज़ अकेले में कुछ टाइम गुजारना चाहते हैं, है ना जान? हाँ, एज यू विश। वैसे गुले के ऑफिस ज्वाइन करने की बात समझ में नहीं आई, क्यों गुले? हाँ, मैं रोज साहिबू के साथ ऑफिस जाया करूँगी, आज मेरा फर्स्ट डे था। तुम किचन में अंडा तक तो तल नहीं सकती, ऑफिस क्या संभालोगी? क्योंकि गुल इस दुनिया में अंडे तलने के लिए नहीं आई है, और बहुत से बड़े काम करने हैं इसे। Anyway, अगर आप लोगों का अकेले वक्त गुजारने का प्लान किसी और दिन हो सकता है, you guys are more than welcome to join us. Please, हम कुछ खा सकते हैं साथ। Thank you. फिर इंशाल्लाह। Sure. बेटे आराम से नाश्ता करो, ऐसी भी क्या जल्दी है? तुमने कौन सा स्कूल जाना है? तायबु, आप भूल रहे हैं क्या? आज फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, यहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम अकेली मिलोगी डेलीगेशन से? ताजान को बीच में से निकाल दिया? भाई वाह, क्या बात है तुम्हारी। हर बात में तुम्हारा बोलना ज़रूरी है, चाहे बात का पता हो या ना हो। हमारी गुल अपना प्रोजेक्ट अलग संभाल रही है, बाकी मामलात को तो मैं देख ही रहा हूँ। बेटे आप जल्दी निकलो, और कोशिश करना कि अवान भी वक्त पे पहुंच जाए। अमीर घर का लड़का है, पता नहीं हमारे काम को इम्पोर्टेंस दे या ना दे। डोंट वरी तायबू, अवान बहुत रिस्पॉन्सिबल है, हमसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहा है। ध्यान रखना, दूसरों पर भरोसा करने वाले अक्सर मुँह के बल गए। वैसे ताई अम्मी, कभी कभी अपनों पर भरोसा करके भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो क्या करें, एतबार करना छोड़ दें। खैर तायबू, मैं चलती हूँ, ऑफिस में मिलते हैं। अच्छा बेटा सुनो, कुछ लोग शाम को तुम्हें देखने आ रहे, वक्त पे घर आ जाना। फोन भी नहीं उठा रही। हेलो आंटी। अरे कमल बेटा, तुमने केक बनाना शुरू नहीं किया? मेरी फ्रेंड्स तो आती होंगी अब। अरे आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं चाय के साथ का सारा सामान ले आई हूँ, चलो इनको निकाल के प्लेट्स में रख दो। बेटा मैंने उन लोगों से कहा था कि मेरी बहू केक बेक करेगी। अरे आंटी, उनको कौन सा पता चल रहा है केक किसने बनाया, बोल दीजिएगा आपकी बहू ने ही बनाया। एक्सक्यूज मी। तुम्हारी गाड़ी? ये मेरी है। ऑफ कोर्स तुम्हारी गाड़ी, ये तो गुल्ले की गाड़ी से भी ज्यादा अच्छी है। तुम्हारी बीवी ने आधी जिंदगी गुल्ले से जल जल के गुजार दी है, और जो बाकी बची है ना, वो उसे मुकाबला कर करके जाया कर देगी। पता नहीं लोग दूसरों की खुशी से इतना जेलस क्यों होते हैं। खैर आई एम केयर, मुझे चाबी दो। अरे क्या कर रही हो? अम्मी की तरफ जा रही हूँ। पागल होगी? ओके, गाड़ी तुम्हें आती नहीं चलानी और अम्मी की तरफ जा रही हूँ। एक हफ्ता हो गया गाड़ी चलाते हुए, और वैसे भी मेरी इंस्ट्रक्टर कहती है कि तुम बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हो, मैं गुल्ले से भी अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ। डोंट बी स्टूपिड, दरवाजा खोलो, चाबी दो मुझे, इधर। अरे कबल गाड़ी खोलो, कबल डोंट बी स्टूपिड, कबल मैं कह रहा हूँ गाड़ी, कबल। अब्बू को बताना चाहिए था ना? कमल ने मना किया था, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि अबान ऐसा कर ही नहीं सकता। मुईस की चमची। ठीक है, मिलाओ जरा इसे कॉल, इसका दिमाग दुरुस्त करूं मैं। बड़े घर में शादी क्या हो गई, बहनी के खिलाफ हो गई। मुईस भाई की कॉल,
दो मुझे हाँ मुईज, मेरी जरा कमल से बात करवाओ। क्या हुआ लाए दे मुझे फोन। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। प्लीज रो तो मत, कमल प्लीज रोना बंद करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। कमल अब बाहर के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, तुम देखना कितनी जल्दी अपने पांव पर खड़ी हो जाओगी। प्लीज रोना तो बंद करो, हम तो खुश है कि एटलीस्ट अल्लाह ने तुम्हारी जान तो बचा ली। कमल यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, इतना वीक नहीं हो सकती कभी। मूवी के बाद से हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आज तुमर में डिनर पर चलें? उस दिन मैं सिर्फ मुश्ताक साहब को टीज करने के लिए आपके साथ गया था, मेरा रोज रोज आपके साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। रहने दो, मेरे हुस्न के आगे बड़े बड़े पारसाओं का ईमान टकमगा जाता है, शायद तुम भी बहक गए थे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने देखा कि बाप के पास कुछ नहीं बचा तो बेटे के आगे पीछे हो? तुम गलत सोच रहे हो, मुझे तो तुम्हारी तन्हाई पे तरस आता है, सो तुम्हें कंपनी देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ आप जैसी दौलत की लालची औरतों को, कि आप किस हद तक जा सकती हैं। Why don't we talk openly? खुल के बात करते हैं। क्या बात? कीमत बोले मेरे बाप की जिंदगी से निकलने की। थोड़ा सा मूडी हूं मैं, या फिर बार बार नहीं दूंगा। अबान, मुझे मंजूर है। लेकिन डिमांड मेरी मर्जी की होगी। कितनी डिमांड है आपकी? मैं बताता हूं डिमांड। बहुत चाहने वाले हैं ना तुम्हारे, तो जाओ फिर उनके पास। यहां क्या कर रही हो? निकलो यहां से। पागल तो नहीं हो गए? छोड़ो मुझे। पागल ही तो हूं, तभी तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो गया था मैं। निकलो, चलो निकलो यहां से। बात तो सुनो। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। बाबा 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 प्लीज, आप अंदर जाएं। खबरदार जो इस घर में दोबारा आई, खून कर दूंगा तुम्हारा मैं। बाबा इस वक्त ये कहां जाएंगी? सुना नहीं तुमने ये क्या कह रही थी कि इसके चाहने वाले कितने, कहीं पे भी जाके अपना मुंह काला कर लेगी। दिवाली की ईंट को मैंने मस्जिद जैसे घर में लगाकर बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी, और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। निकलो यहां से, निकल। कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम तो ऊपर भी खाली हाथ जाने वाली हो नहीं। ओके, तो मैं तुम्हें जाते जाते एक तोहफा दे देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मुशी, रुको। आजा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आगे कुछ नहीं बोलना। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मुश्ताक। अबान, घर के मुलाजिमों को कह दो कि इसको उठाकर घर के बाहर फेंक दें, बल्कि ऐसी जगह ले जाकर फेंकें कि इस घर की तरफ कभी देख भी ना सके। तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा किया तुम आ गई। देखो ना, तुम्हारी बहन कितनी उदास रहने लगी है। जी, इसीलिए मैं आ गई। खालदा आंटी का फोन आया था अम्मी के पास, वो कह रही थी कि कबल को कुछ दिन हम अपने घर ले जाएं ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं, लेकिन अम्मी ने मुझे इधर भेज दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पता नहीं उसको क्या हो गया, कितनी मायूसी की बातें करने लगी है। समझाओ इसको कुछ। आप परेशान ना हो,
मैं आ गई हूँ ना, इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ओके। अनमोल भाई, अनमोल भाई, बाबू उठ गए? वो तो रात से घर पर नहीं है। क्या रात से घर नहीं है? कहाँ गए? पकड़े सर। बड़े साहब को मिला रहे हैं? हाँ, चेक तो करूँ, गए कहाँ हैं? लेकिन बड़े साहब का फोन और वॉलेट जो साइड टेबल पर पड़ा है। कहाँ चले गए? मैं कहाँ ढूंढूं? साहब आ गए। साहब आप कहाँ चले गए थे? बाबा कम से कम अपना मोबाइल तो साथ रखा करें, मैं परेशान हो रहा था, अभी आप ही को ढूंढने निकल रहा था। मुझ जैसे राह से भटके हुए लोग तलाश करने से कहां मिलते हैं? पापा, कल रात तुम्हारी मां की कब्र पर गया था, बहुत इल्तिजा की, बहुत माफिया मांगी, मगर जवाब ही नहीं दिया उसने, क्योंकि मेरा जुर्म नाकाबिल माफी है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो हो सकता है तुम्हारी मां भी मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दो मेरे बेटा। मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि उसका साथ कैसे दो, मुश्किल में है वो। मुश्किल में वो खुद है, मेरी वजह से नहीं है। क्यों लेके निकली थी वो नई गाड़ी? मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया, उसने वो गाड़ी खुद ठोकी है। You know what? Sometimes I actually can't believe this, कि तुम दोनों सगी बहन हो। इतनी नफरत तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। क्योंकि तुम खुद उस जैसे हो ना, इसलिए तुम्हें मैं कसूरवार नजर आ रही हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना मोइज, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो खड़े खड़े। तो क्या कहना चाह रही हो तुम? काश मैं तुम्हें ये बता सकती कि गुले के तुमसे अलग होने की वजह। गुले? गुले कहां से बीच में आ गई? गुलनूर का क्या किस्सा है? प्लीज मोइस, मुझे मरवाओगे क्या? कोमल, तुम क्यों नहीं समझती कि गुलनूर से रिलेटेड कोई भी चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? सो मुझे बताओ कि क्या मसला है। कुछ खास नहीं है मोइस, बस इतना है कि कवल ने गुले के दिल में ये डाला कि तुम उसके साथ सिंसियर नहीं हो, और तुम्हें यह एहसास दिलाए कि गुले तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। तुम भी तो बराबर के शरीक थे, तुम भी उसकी बातों में आ गए। I don't trust you. झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? रो, मैं तुम्हें वो मैसेजेस दिखाती हूँ जो कवल ने गुले को किए। देखो देखो ये मैसेजेस, देखो। आ गई तुम, क्या जरूरत थी उसको छोड़ने जाने के लिए? चली जाती वो जैसे आई थी। खैर छोड़ो, बैठो तुम। तुमने मेरा साथ ऐसा क्यों किया? क्या क्या मतलब, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? कवल, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। समझ गई, यकीनन कोमल ने तुम्हारे कान भरे होंगे। बहुत ही नीच लड़की है, जब अवान पर उसका जोर नहीं चला तो वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कोमल ने जो कुछ भी गुलनूर के बारे में कहा, क्या वो सच है या नहीं? बकवास करती है वो, बचपन से उसकी आदत है इधर की उधर लगाना। भला मेरा क्या लेना देना है गुले से? कवल, मैं सच सुनना चाहता हूं, यस और नो। देखो मैं इसमें तुमसे, कवल, यस और नो। हाँ ये सच है, तुम्हें कोमल ने गुले के बारे में जो बोला वो सच है। मैं तुम्हें गुले का होते हुए नहीं देख सकती थी, उसने जब किसी चीज पर हाथ रखा वो चीज उसकी हो गई।
तुमसे मोहब्बत करती थी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए मैंने I hate you, कमल। मुझे तुमसे नफरत हो रही। जिस तरह तुमने मुझे और गुल्लूर को अलहदा किया, उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गुले और कोमल तो सिर्फ एक बहाना है, असल में तुम मेरी माजूरी से और मुझसे उकता गए हो, है ना? बहुत बुरे हो तुम। हाँ, मैं हूं बुरा, लेकिन तुमसे बेहतर हूं। You know what? तुम्हारी इस माजूरी के साथ मैं सारी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन एक झूठी और धोखेबाज बीवी के साथ नहीं रह सकता। तुम क्या सजा दोगे? जान से मार मार दोगे मुझे तुम? क्या कुछ नहीं करूंगा। जिस तरह तुमने मुझे गुलनूर का रहने नहीं दिया, मैं तुम्हारा भी नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। Yes. तलाक देता हूं। तू तो हम दोनों का दोस्त है ना, प्लीज इसे समझा। मैं आज भी अपने दिल और दिमाग से जब पूछता हूँ ना, एक ही नाम लेता, गुल्लूर। मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये बात सोचने की? तू समझता क्या है इसे? जब दिल चाहेगा इस्तेमाल करेगा, जब दिल चाहेगा उठा के फेंक देगा। ये कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया है जो तेरे इशारे पे चलेगी? मैंने गलत की? तुझे हमेशा अपने पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व कर। तू होता कौन है मेरे और नूर के बीच में बोलने वाला? ये मेरा और नूर का मसला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। Get aside. तुझे मैं उस तक पहुंचते दूंगा कब ना? क्या कर रहा, छोड़ा? ये होता कौन है हमारे मामले में बोलने वाला? क्या रिश्ता है तेरा? रिश्ता है इसके साथ, वो रिश्ता है जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मोहब्बत करता हूं मैं इससे, प्यार करता हूं इससे, सुना तूने? और इसकी तरफ पड़ने वाले हर हाथ को और इस पर पड़ने वाली हर बुरी निगाह को मैं तबाह कर दूंगा। देखो, इस लड़की के किरदार की वजह से दोनों लड़के एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। इसी की बदकिरदारी की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया। शट जस्ट शट अप नाउ। अब अगर आपने इसके किरदार पे कीचड़ उछाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे कितनी बड़ी है। ये सच है गुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं जिसका इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम फौरन निकाह करेंगे, फिर मैं देखता हूं कि कौन तुम पे मैली नजर डालता है और कौन तुम पे उंगली उठाता है। बस बहुत हो गया, बहुत उछाल ली मेरी इज्जत, बहुत तमाशा बना दिया है मेरा। अब और नहीं, मुझे तुम दोनों की शक्लें नहीं देखनी अब इस घर में। एतबार तोड़ा तुम दोनों ने मेरा, एक ने मंगेतर बनकर और एक ने दोस्त बनकर। आज के बाद तुम दोनों मुझे नजर ना आओ। अल्लाह जाने कि मुझे बारिश कब रुकेगी। गुले बिटिया, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाई हूँ, आप पी लीजिए। सुल्तानी बी, मुझसे कोई मिलने आया था या फिर कोई कॉल आई थी? अब किसने आना है? जो हर वक्त आपका साया बना रहता था, उसे तो आपने खुद अपने आप से दूर कर दिया। हेलो, अल्लाह ना करे अब
मैं जानती हूँ कि वो कहाँ होगा। मैं वहाँ पहुँच कर आपको कॉल करती हूँ। अब आप कहाँ जा रही हैं बिटिया? मैं बस आती हूँ। लेकिन बारिश तो कब की थम चुकी है, घर कब जाओगे? मुझे पता था तो मुझे यही मिलोगे। मुझे भी पता था कि तुम अपनी छतरी लेने जरूर आओ। अरे हाँ, ये तो मेरी छतरी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? हमारी पहली मुलाकात से ही मौजूद है। जब मैं तो तुम्हें जानता था लेकिन तुम मुझसे अनजान थी। और ये कुछ और मानते भी मेरे पास है। ये वो क्लिप है जो तुमने मोइस के घर गिरा दिया था और मैंने चुपके से संभाल लिया था। ये मंगूठी है, कॉफी पीते पीते तुमने बेध्यानी से टेबल पर रख दी थी और पहनना भूल गई थी, ये भी मैंने रखी थी। और ये वो टिश्यू है जो जिससे तुमने अपने आंसू पोंछे थे, फिर एक कोने में फेंक दिया था। और ये वो सारे लम्हे हैं जो मैंने तुम्हारे साथ या तुम्हें देख के गुजारा। रख लूंगा। इन चीजों का क्या करूंगी, जला दो इन्हें। मेरे लिए इन्हें जलाना बहुत मुश्किल है, शायद तुम ये काम आसानी से कर सको। कल शाम को फ्लाइट है मेरी अमेरिका की। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, अगर हो सके तो मुझे माफ जरूर कर देना। सुना है मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो गुलनूर तुम मुझे जरूर पुकारोगे। चलता अबान, मैं शादी कर रही हूँ, क्या तुम मेरी शादी तक नहीं रुक सकते? मैंने फोटोग्राफी छोड़ दी। मेरी शादी पे फोटोग्राफी कर भी नहीं सकते क्योंकि दूल्हा फोटोग्राफी करते हुए अच्छा नहीं लगेगा।